सो दोस्तों, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो फर्स्ट मैराथन क्लास था वो तो समाप्त हो ही चुका है। सभी क्वेश्चंस जो बताए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और यही जो है लास्ट आपकी महामैराथन क्लास भी होगी। इसके बाद आपकी कोई भी क्लासेस नहीं चलाई जाएंगी। बचे हुए जो और सब्जेक्ट हैं जैसे आपके थियरी ऑफ मशीन हो गए, उसके बाद आपका जो मशीन डिज़ाइन हो गया, इसके बाद जो आपका पीटी अर्थात प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इन सब के ऑलरेडी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं चैनल पे। आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, डिप्लोमा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर नेम से प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। बस यहाँ तक ही था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट समाप्त हो चुका है। चलिए हम सेकेंड पार्ट का आगाज करते हैं। देखिए ये जो है आपका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको हमने ऑलरेडी ही बताकर समाप्त कर दिया है। सो सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे मेंटेनेंस, जो आपका चैप्टर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का उसको, और आपका इंस्पेक्शन चैप्टर है उसको, क्योंकि टोटल 5 चैप्टर थे जिसमें 3 चैप्टर हमने पहले ही समाप्त कर दिया है। सो चलिए देखते हैं। देखिए मेंटेनेंस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले हम इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि मेंटेनेंस क्या होता है, आपसे सीधे पूछेगा कि जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, इसको समझाइए। इसके साथ ही साथ जब ये पूछे तो आपको इसमें लिखना पड़ता है इसका उद्देश्य क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ये टोटल आपको पूरा लिखना पड़ता है, तब जाके आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आपका इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसके जो टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के शायद 4 टाइप्स के होते हैं और चारों टाइप्स में से कोई 2 आपका पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि जो आपका करेक्टिव मेंटेनेंस होता है उसको समझाइए, या आपसे पूछ लेगा कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है उसको समझाइए। तो सब कुछ हम देखेंगे आज की इस वीडियो में, और जितने भी क्वेश्चंस हैं फिर से बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस क्या होता है। तो देखिए मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, अनुरक्षण। अनुरक्षण जैसे कि आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका घर बन चुका है तो कुछ साल बाद मान लीजिए उसकी खूब अच्छे प्रकार से आप उसकी रंगाई कर दिए हैं, लेकिन 3-4 साल बाद देखते हैं कलर डिसकलर हो जाता है घर का, या मान लीजिए जो वहाँ सीमेंट्स की पुताई की गई होती है वो टूट टूट कर गिरने लगता है, तो आप फिर से क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, आप उसके फिर से क्या करते हैं, उसकी रंगाई पुताई या फिर से सीमेंटिंग वगैरह सब काम करते हैं, तो वो क्या होता है आपका मेंटेनेंस कहलाता है। इसी प्रकार से आपके उद्योग धंधे में जो मशीनें काम करती हैं, चलते चलते उनमें फ्रिक्शन होते होते वो घिस जाती हैं, सो उन सबको मैनेज करने के लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। कैसे कैसे किया जाता है सब आपको हम बताएंगे। तो चलिए मेंटेनेंस को हम समझते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने आपको बता ही दिया मेंटेनेंस होता क्या है। तो देखिए मेंटेनेंस लिखा गया है कि किसी उपकरण या मशीन को समुचित सफाई, स्नेहन, निरीक्षण, सेवा, मरम्मत आदि द्वारा ऐसी दशा में बनाए रखना जिससे उसे प्रारंभिक के समतुल्य क्षमता के साथ प्रयोग किया जा सके, मेंटेनेंस कहलाता है। तो देखिए होता क्या है, मशीनें चलती रहेंगी, आप उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो वो धीरे धीरे ख़राब होती जाएंगी, बाद में आप जिस लेवल का काम चाहते हैं उस मशीन से उस लेवल का काम नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए आपको हमेशा टाइम टू टाइम जितनी भी उसके निरीक्षण की आवश्यकता पड़े कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसका ख़राब हो गया है, कहाँ पे हमें ग्रीसिंग करना है और उसको किस किस पार्ट का हमें मरम्मत करना है, इन सबको करना पड़ता है, और यही सब प्रोसेस जो है यही सब है आपका मेंटेनेंस। आई होप मेंटेनेंस आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल के तौर पे भी हमने आपको घर का एग्जांपल लेके बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप मशीन में भी वैसा यूज कर सकते हैं। तो ये क्या इसका डेफिनेशन, इसके अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए लिखा गया है उद्देश्य कि मशीनों तथा उपकरणों को लगातार उत्तम स्थिति में बनाए रखना जिससे लगातार उनका अच्छे प्रकार से प्रयोग किया जा सके। देखिए जब बार बार मेंटेनेंस वगैरह सब करते रहेंगे तो मशीनें बिना रुके काम करते रहेंगे, इससे क्या होगा, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे अच्छी क्वालिटी वाले बनेंगे और आप कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट को आसानी से डिलीवर कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ आपका सेकंड पॉइंट कहता है कि उत्पादन में कमी को रोकना। जी हाँ, जब आप लोग उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें यह होता है जब सब कुछ आपका सही रहेगा
जब मशीनें सही से काम करेंगी तो जो प्रोडक्शन कार्य है वो इस तेजी से होगा तो उसमें कमी नहीं होने देगा। कौन मेंटेनेंस आपका कहता है कि मशीनों की परिशुद्धता बनाए रखना। देखिए एक्यूरेसी मशीनों की जो होती है अगर उसमें सही प्रकार से मशीनें काम करेंगी तभी तो बनेंगी। अब पता चले आपको 1 घंटे में 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं और वो 1 घंटे में पता चले 500 प्रोडक्ट भी नहीं बना पा रही, एक्यूरेसी उसकी नहीं सही है, तो मेंटेनेंस से उसकी एक्यूरेसी बनी रहती है। आप उससे 1000 क्या उससे 1200 भी प्रोडक्ट आसानी से बना सकेंगे जितने उसकी क्षमता होगी, जितने उसकी कैपेसिटी होगी। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि ब्रेक डाउन का पता लगाने के लिए नियमित निरीक्षण करते रहना। देखिए ब्रेक डाउन एक प्रकार का आप मेंटेनेंस होता है, ठीक है। ये कब होता है, जैसे कि आपकी मशीनें आपने देखा होगा कोई भी मशीन होती हैं अगर काम करते करते वो अचानक रुक जाती है, मतलब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाती हैं, तो इन सब की आवश्यकताओं के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है इन सबको पूरा करने के लिए। आपने अपने घर पर ही पंपिंग सेट वगैरह देखा होगा कि चलते चलते अचानक वो शट डाउन अर्थात बंद हो जाती हैं, तो क्यों हो जाती हैं, क्योंकि या तो उसमें सही से तेल नहीं रहा होगा, तो भी एक प्रकार का मेंटेनेंस होता है। आप बाइक लेकर रोड पे निकलते हैं, अगर फ्यूल मान लीजिए कम है, रास्ते में अचानक सुनसान जगह गाड़ी का पेट्रोल जो है ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मैंने इसका मेंटेनेंस नहीं किया था, मतलब इसमें सही से पेट्रोल वगैरह का चेकिंग हमने नहीं किया था। तो इंस्पेक्शन की भी वहाँ पर आवश्यकता होती है, तो ब्रेकडाउन का पता लगाने के लिए नियमित निरीक्षण करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका भी मेंटेनेंस किया जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस, इसका क्या क्या महत्व है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या क्या था, अब इम्पॉर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं कि ब्रेकडाउन से दुर्घटना होने का भय रहता है जिससे जान माल दोनों की हानि होती है, इसलिए पहले से मेंटेनेंस जरूरी होती है। देखिए होता क्या है, अब पता चले आप खुद तेज स्पीड में जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, अचानक से गाड़ी आपकी रुक जाए, सब जो मशीनें हैं उसमें अंदर के सारे फंक्शन काम करना बंद कर दें, तो आप क्या करेंगे, स्पीड में जा रहे हैं अचानक से सभी जब सब फंक्शन काम करना ही बंद कर देंगे तो अचानक से गाड़ी रुक जाएगी, झटके में पता नहीं कहां से कहां जाएंगे, गाड़ी तो जाएगी साथ ही साथ आप भी जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेंटेनेंस अगर नहीं रहेगा सही से नहीं किए रहेंगे तो ये सब दुर्घटनाएं आपके साथ भी। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी उत्पादन फैक्ट्री में कोई मशीन अचानक से काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है, न केवल उस मशीन पर उत्पादन कार्य बाधित होता है बल्कि उत्पादन रेखा में लगी अन्य, ये क्या है, अन्य मशीनों पर भी कार्य बाधित हो जाता है। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कहीं पर अगर प्रोडक्शन कार्य होता है तो सब मशीनें सीरीज में लगाई जाती हैं और जहाँ पे मास प्रोडक्शन करना रहता है वहाँ पे सभी मशीनें सीरीज में लगाई जाती हैं। तो पहले मान लीजिए ड्रिलिंग की मशीन लगी है, फिर दूसरा कटिंग की मशीन लगी है, तीसरा फाइलिंग की मशीन लगी है, चौथा वेल्डिंग की मशीन लगी है, तो अगर ड्रिलिंग पर काम बाधित हुआ है, ठीक, तो इस पर प्रोडक्ट गया है लेकिन प्रोडक्ट अब आगे नहीं जा पाएगा, तो इन मशीनों का भी काम जो है बाधित हो जाएगा, मतलब अब एक पे काम पूरा हो ही नहीं पा रहा तो प्रोडक्ट आगे जाएगा ही नहीं, तो और काम आपका आगे कैसे होगा। मान लीजिए अगर आपके कटिंग पे बाधित हो गई तो इस पर नहीं जा पाएगा, तो इस तरह से ये होता है इसका इम्पोर्टेंस। तो उसके लिए ज़रूरी होता है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई काम शुरू करने से पहले आप लोग देखते होंगे किसी फैक्ट्री में सभी मशीनों की चेकिंग की जाती है, उसके लिए अलग अलग वर्कर्स लगाए जाते हैं कि आप सबका अच्छे प्रकार से चेकिंग कर लीजिए वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो आप भी जब बाइक चलाने जाएँ, स्कूटी चलाने जाएँ, फोर व्हीलर कुछ भी चलाने जाएँ तो एक बार सब कुछ चेक कर लेना चाहिए आपको, नहीं तो पता चले रास्ते में अचानक कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो ये था आपका मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंस हो गया, मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव हो गया, मेंटेनेंस होता क्या है इसके बारे में भी आपको हमने टोटल बता दिया। इसके साथ ही साथ अब आता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है, इसको हम देखेंगे। सो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, अब देख लीजिए आप ही का ब्रांच मैकेनिकल है तो आपको कहा जाता है आपके जो एचओडी हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है, पूछा जाता है ना कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है, किसी अन्य ब्रांच के टीचर आपसे पूछते होंगे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कौन से एचओडी हैं। सो उसी प्रकार से मेंटेनेंस का भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, तो इसमें जो लोग रहते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर में रखा जाता है। सो लिखा गया यहाँ पे संयंत्र में अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आजकल प्रायः सभी बड़े उद्योगों में एक अलग
अनुरक्षण विभाग स्थापित किया जाता है। मतलब कि मेंटेनेंस देखने के लिए हमने आपको पहले से ही बताया कि अलग से कर्मचारियों को रखा जाता है जो चेकिंग करते रहते हैं, दिन रात चेकिंग करते रहते हैं कोई कमी तो नहीं हो रही है। आप अगर ट्रेन से यात्रा करने जाते होंगे तो देखते होंगे एक व्यक्ति जो है वो बैठा रहता है, टार्च हमेशा जलाता रहता है ट्रेन के साइड में, वो भी चेकिंग करता है। क्या करता है वो, स्थिति जानने के लिए ट्रेन के पहियों का या वहाँ पर जो कुछ भी साकर्स लगे होते हैं उन सबकी स्थिति जानने के लिए। और आप उनके टार्च को देखे होंगे कितनी तेज रोशनी होती है उसकी, तो भी एक समझ लीजिए उसका डिपार्टमेंट अलग है, वो भी समझ लीजिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है। सो उसी प्रकार से उद्योगों में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो काम करता है, जो मेंटेनेंस का काम करते हैं जितने लोग, उन्हें हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के नाम से। यहाँ पे अब आते हैं, देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि समय समय पर उपकरणों में होने वाली त्रुटियों का निरीक्षण करना, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कुछ भी उपकरण लगाए गए हैं, जो कुछ मशीनें लगी हैं उसमें क्या क्या कमियाँ हो रही हैं उन सबका निरीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये काम ये लोग करते हैं। सेकेंड है आपातकालीन मरम्मत करना, जैसे कि काम अचानक से रुक जाए, मशीनें काम करना बंद कर दें, उस समय उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि उस काम को आज के लिए चला लिया जाए, बाद में उसको बदल कर नया लगा सकें। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि मरम्मत कार्यों को कम समय में पूरा करना, ऐसा नहीं कि एक बार मरम्मत कार्य शुरू कर दिया हो तो पूरा 24 घंटे लगा दो, ऐसा काम करो कि टाइम से हो जाए, स्मार्ट वर्क रहे और जल्दी से आपका काम पूरा हो जाए और आप अच्छे से लोगों को प्रोत्साहित कर सकें इस काम के लिए, और आप कम से कम टाइम में मशीनों का मेंटेनेंस कर सकें जिससे अन्य जो लोग हैं वो अपना काम अच्छी तरह से आगे भी कर सकें। फोर्थ पॉइंट आपसे कह रहा है कि निरीक्षण तथा मरम्मत के रिकॉर्ड को भी तैयार करना, इनका जो डिपार्टमेंट का कार्य होता है वो ये होता है कि जो कुछ भी काम हुआ है उसका कितना टोटल खर्च आया है उसका भी एक प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग करना, सीरियल वाइज इस में कितना लगा है, इस पार्ट में कितना लगा है पैसा खर्च, ये सब एक रिकॉर्ड के तौर पे लिखा जाता है। बात करते हैं एडवांटेज, भाई मेंटेनेंस का एडवांटेज क्या होगा, मेंटेनेंस का एडवांटेज क्या होगा। हमने बताया था मेंटेनेंस नहीं करेंगे मशीनें जल्दी ख़राब हो जाएंगी, तो क्या होगा जब मेंटेनेंस हो जाएगा तो इनका जो लाइफ है उनकी जो सेवा काल है वो बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट कहता है कि मेंटेनेंस कर देने से उत्पादन के दर में भी आपकी वृद्धि आ जाएगी, मतलब कि जो कुछ भी है मेंटेनेंस कर देंगे अच्छे से तो मशीनें अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्शन जो है तेज़ी से होगा। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि उत्पादन की गुणवत्ता का स्तर जो रहता है वह अच्छा बना रहता है, भाई मशीनें जब खराब रहेंगे अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ये तो श्योर है क्वालिटी में भी कुछ ना कुछ डिक्रीजिंग जरूर होगा, लेकिन अगर मेंटेनेंस कर देंगे हम लोग तो क्या होगा उसका स्तर जो है वह अच्छा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्पादन की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में भी कमी आती है, अब जब आपका इंजन चलेगा या आपकी गाड़ियाँ चलेंगी और आप उस गाड़ी को ब्रेक लेकर चलाएंगे तो श्योर है कि वो फ्यूल ज़्यादा खाएगा, तो इसी प्रकार से जब मशीनों को चलाया जाएगा उसमें फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा लोड लेगा तो प्रोडक्शन के निर्माण करने में ज़्यादा खर्चा आएगा। तो क्या होता है जब हम मेंटेनेंस कर देते हैं तो वो अच्छे प्रकार से लुब्रिकेशन के माध्यम से सही से चलती हैं, इस प्रकार से प्रोडक्ट जल्दी बनते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी विनिर्माण लागत में भी आपके कमी आ जाती है। तो ये सब किसके द्वारा निश्चित हो पाता है, ये सब निश्चित हो पाता है मेंटेनेंस के द्वारा। तो मेंटेनेंस आई होप आपको टोटल समझ में आ गया होगा, मेंटेनेंस के बारे में बस टोटल आपका इतना ही था, पूछा जाएगा तो आप इतना टोटल लिखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, ये होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, इतना टोटल आप लिख देंगे पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं पे एडवांटेज पूछेगा तो आपको नहीं पता है तो आप उसका इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और, लोग कहते हैं क्वेश्चन जो बताया जाता है वो आपके एग्जाम में मिलते नहीं है, तो क्वेश्चन मिलते सब हैं, बस आप लोगों को लिखने का तरीका नहीं पता होता है, आप क्वेश्चन को छोड़ कर आ जाते हैं और बैक लग जाता है, फिर कहते हैं एक अभी क्वेश्चन मैच नहीं हुआ। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कि अगर पूछ ले वह मेंटेनेंस के बारे में अगर पूछता है, ठीक है, मेंटेनेंस के बारे में अगर पूछ लिया है, ठीक है, तो आपको अगर उसके बारे में
कुछ भी पढ़े हो मेंटेनेंस के बारे में, मान लीजिए आप मेंटेनेंस नहीं पढ़े हैं उसका एडवांटेज पढ़ लिए हैं, मान लीजिए मेंटेनेंस नहीं पढ़े हैं आपने उसके टाइप्स वाले जो हैं जैसे करेक्टिव, कोरिलेटिव या प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, इन सभी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा है, तो आप मेंटेनेंस हेडिंग डाल के उन सभी का डिफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। किसमें? मेंटेनेंस में, तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अगर मेंटेनेंस का आपने डेफिनेशन पढ़ा है और उसके टाइप्स जो है उसका डेफिनेशन नहीं पढ़ा है और उसके टाइप्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं, तो आप मेंटेनेंस वाला टोटल जो कुछ भी आप पढ़े हैं उसमें आप लिख सकते हैं उस कंडीशन में, जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तब, और अगर पढ़े हैं तो अच्छे से आप लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें से आप कुछ ऐसे वर्ड को निकाल लें जो लगे कि हम इसको पढ़े हैं, तो आप ये ना देखें कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अगर अच्छे से आपको आ रहा है तो लिखें, अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन में देख लें ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, तो आप हेडिंग डाल दीजिए उसका सब छाप दीजिए, ऐसे नंबर मिलता है, जो कि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं सोचते हैं गलत हो जाएगा। अरे एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वह आपके नंबर को काटेगा, आपको पूरा नंबर दे देगा, आखिर छोड़ कर आओगे तो जीरो पाओगे, पूरा लिख कर आओगे तो अच्छा नंबर जरूर देगा, पाँच नंबर का है दो नंबर देगा, देगा तो नंबर बैक से तो बच जाओगे कम से कम। तो ऐसे आपको चालाकी करनी चाहिए अपने एग्जाम में। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे इसके टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, सो टाइप्स को हम समझते हैं। पहला टाइप्स है करेक्टिव आर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। देखिए करेक्टिव आर ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। इसका जो हिंदी होता है वो होता है सुधारात्मक अनुरक्षण। क्या होता है? सुधारात्मक अनुरक्षण। देखिए इंग्लिश में सीधे ऐसे लिख दे, क्लिक के दे देगा कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को समझाइए, तब वहाँ जाके आप हिंदी नहीं खोज पाएंगे, सो पढ़ लीजिएगा इंग्लिश ही। इंग्लिश हिंदी जब भी पेपर आए तो आपको दोनों देख लेना चाहिए, पेपर आपका इंग्लिश में है या हिंदी में है, दोनों देख लीजिए समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में सिंपल होते हैं जबकि हिंदी में कठिन होते हैं। सो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसमें लिखा गया है कि इसमें मरम्मत कार्य तब शुरू किया जाता है जब कनाड़ खराब हो जाता है तथा अपना सामान्य कार्य करना बंद कर देता है। सुनिए इसमें ये नहीं कि आप पहले से ही मेंटेनेंस करते हुए आएंगे, ऐसा नहीं। जब मशीन आपका टोटली ख़राब हो जाएगा और एक कभी काम नहीं करेगा, मतलब मशीन पूरी तरह से काम करना ठप कर देगी, तब आप मेंटेनेंस करेंगे उसकी, कि उसके प्रोडक्ट के किसी पार्ट को बदलेंगे, मशीन के पार्ट को बदलेंगे ताकि वह काम कर सके। उदाहरण के लिए जब कोई विद्युत मोटर स्टार्ट ना हो रही हो या किसी मशीन टूल का पट्टा टूट गया हो, देखिए जब पट्टा टूट जाएगा तो नया तोड़ा के लगाएंगे, मतलब ये काम तब होता है जब मशीन एकदम ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, तब आप उस समय जो मेंटेनेंस करते हैं उसको नाम दिया गया है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन का मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया कि अचानक से काम का रुक जाना, उसके बाद आप दोबारा मेंटेनेंस ना कर सकें, नया ही आपको लगाना पड़े। इसके साथ ही साथ और लिखा गया है कि इस प्रकार के अनुरक्षण का प्रयोग छोटे उद्योगों में करना बहुत उपयुक्त रहता है, क्योंकि इनमें सामान्य कार्यकारी परिस्थितियों में बहुत कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो छोटे में क्यों होगा? छोटे में इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने नहीं रहते हैं, तो हम थोड़ा टाइम लेकर भी आसानी से उसको हम बदल सकते हैं, उसके पार्ट को बदल सकते हैं। तो करेक्टिव का मतलब क्या समझ में आया? इसका काम ये वाला अनुरक्षण या ये वाला मेंटेनेंस आप लोग तब करते हैं जब काम आपका बिल्कुल भी ना हो, काम आपका एकदम ठप हो जाए। ओके, तो ये हो गया आपका करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब इसका कारण क्या है? काज ऑफ इक्विपमेंट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है? तो देखिए इसमें क्या है, छोटे छोटे दोस्तों को ध्यान ना देना। आप लोग अपने लाइफ में देखिए, कहते हैं एग्ज़ाम आ गया, चलो आज से फ़ोन नहीं चलाऊंगा, आज उससे नहीं बात करूंगा, आज वहां नहीं बात करूंगा, तो आप छोटे छोटे बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम तक आप बातचीत करते रह जाते हैं, पता चलता है फेल हो गए। तो छोटे छोटे बातों को जब लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ब्रेकडाउन में आपका हो जाता है, उसके लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड पॉइंट कहता है घिसे हुए अंगों को बदलने में की गई लापरवाही। ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है? पता चले आप सोचें कि भाई पैसा ज़्यादा लग रहा है तो लाओ डुप्लीकेट वाला हम सामानवा लगा दें, डुप्लीकेट वाला सामान लगा देंगे तो भाई श्योर है कि आप पैसे की बचत किए हैं, तो भाई झेलना तो पड़ेगा ही नुकसान। तो वहाँ पे भी होता है कि लापरवाही किए होंगे आप, इस वजह से ये ब्रेकडाउन हो गया है। थर्ड पॉइंट कहता है स्नेहन की कमी, आप सही से उसमें लुब्रिकेशन की व्यवस्था नहीं किए होंगे, इस वजह से आपका ब्रेकडाउन वहाँ पे हुआ होगा।
डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जो आपका करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है, साथ ही श्रमिकों और मशीन दोषों की सुरक्षा भी कम रह पाती है। देखिए होता ये है कि दुर्घटना की संभावना जो इसमें अधिक रहती है, क्यों? ब्रेकडाउन का हम पढ़ रहे हैं ना, ब्रेकडाउन के बारे में तो जान रहे हैं, तो ब्रेकडाउन में दुर्घटना की संभावना अधिक रहेगी, जिसमें मानव श्रमिक या मशीन इन दोनों सभी को दुर्घटना हो सकती है, इनकी सुरक्षा भी सही प्रकार से नहीं हो पाती है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ब्रेकडाउन सदैव प्रतिकूल अवसर पर ही घटता है, जिसके फलस्वरूप अनुरक्षण हड़बड़ी में होता है, खराब होता है, जिससे उत्पादन में देरी भी होती है। हमने आपको क्या बताया था ब्रेकडाउन में, कि अचानक ये काम होगा तो अचानक भी आप लोग जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कहेंगे ऐसे चलो किसी तरह से काम कर दें, जिससे हमारा काम आगे होता रहे। तो हड़बड़ी में जब आप काम करेंगे तो प्रोडक्शन में आपका देरी होगा ही होगा, उस समय तो काम कर देगा मशीन, ठीक, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये इसका डिसएडवांटेज था। तो डिसएडवांटेज देख लिया आपने, करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का, इसका कॉज क्या होता है, ब्रेकडाउन क्यों हो जाता है इक्विपमेंट्स में, सो ये होता है यहाँ पे आपका समाप्त। सेकंड जो आता है वो है आपका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस तो जब हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, हमने आपको बताया था प्लानिंग के बारे में शायद बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि शेड्यूल्ड रोटिंग ये सब बताया था ना, कि सब काम आपका शेड्यूल्ड। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, एक तरह से समझ लीजिए टाइम टेबल। तो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस इसका मतलब होता है अनुसूचित अनुरक्षण, मतलब इसमें हम लोग एक निश्चित समय के अनुसार अनुसार मेंटेनेंस करते रहते हैं। आज किया फिर एक हफ्ते बाद फिर करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद करेंगे, आज किया 10 दिन बाद करेंगे, फिर उसके 10 दिन बाद करेंगे, ऐसे इसमें निश्चित समय रहता है। सो यहाँ पे लिखा गया है कि अनुसूचित अनुरक्षण, इसका हिंदी होता है अनुसूचित अनुरक्षण, इसका जो अनुरक्षण रहता है एक समयबद्ध रहता है, एक निश्चित टाइम में किया जाता है, जिसका उद्देश्य संयंत्र अथवा मशीनरों को ब्रेकडाउन की स्थिति से बचाना होता है। भाई जब मेंटेनेंस किया रहेगा तो कहाँ का ब्रेकडाउन होगा, नहीं होगा। ब्रेकडाउन से जान माल दोनों को नुकसान हो सकता है, जहाँ तक संभव इसे न्यूनतम किया जाना चाहिए। तो ये न्यूनतम किया जाता है अनुसूचित अनुरक्षण के द्वारा, अर्थात शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के द्वारा। अनुसूचित अनुरक्षण विधि के अंतर्गत कुछ उपकरण मशीनरी विशेष का निरीक्षण स्नेहन मरम्मत आदि निहित होता है, जिसको यदि नज़रअंदाज किया जाए तो ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ जाती है। अब आपकी मशीन चल रही है फैक्ट्री में तो ऐसा है नहीं सब गंवारी लोग बैठे हैं, कुछ पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी रहते हैं आप जैसे लोग, वो लोग क्या करते रहते हैं, किसी एक पार्ट को चिन्हित कर लेते हैं कि हाँ अगर हम लोड करेंगे, ज़्यादा लोड वर्क करेंगे तो इस जगह पे हमारा मशीन में हो सकता है ब्रेकडाउन की स्थिति। तो स्पेशली कुछ पार्ट्स उन लोग चिन्हित कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन करना, सॉरी यहाँ पे मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, सो वो लोग वहाँ पे मेंटेनेंस करते रहते हैं। अगर उसको हम नज़रअंदाज कर दें, उसको ध्यान ना दें, तो ब्रेकडाउन की संभावना बहुत ही अधिक बढ़ सकती है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। क्या हो गया आपका, ये हो गया शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, इसको भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ही साथ पूछ लेंगे कि करेक्टिव मेंटेनेंस एंड शेड्यूल्ड मेंटेनेंस को समझाइए। आपको मैंने डेप्रिसिएशंस के बारे में बताया था, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सिंकिंग फंड मेथड बताया था, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सो सब कुछ पढ़ते हुए चलिए, जितना भी पढ़ाया गया है सब अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए आप लोग चलिएगा। सो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब बारी आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपका एक तरह से समझ लीजिए जो पहले रहे, ठीक है, जो आपका पहले रहता है, ठीक। तो इसका मतलब होता है निवारक अनुरक्षण। क्या होता है, निवारक अनुरक्षण, ये क्या होता है, तो इसमें भी कुछ लिखा गया आप देख लीजिए। लिखा ये है कि अनुसूचित सुनियोजित एवं निवारक अनुरक्षण से युक्त सिस्टम मिलकर ब्रेकडाउन अनुरक्षण की समस्याओं को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इस तरह निवारक अनुरक्षण का मूल सिद्धांत इलाज से बेहतर है बचाव करना, इलाज से बेहतर है बचाव करना। बचाव कीजिए, इलाज करना ही ना पड़े, आराम से योगा कीजिए, हेल्दी फूड्स खाइए, ऐसा नहीं खा खा के रूम में पड़े रहें, फास्ट फूड इतना खाए लो कि
बड़ा सा निकल जाए, पेट निकल जाए तो क्या होगा? तो इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। तो आप जानते हैं ये किस वजह से हो रहा है, तो क्यों ना हम उससे पहले से ही बचें, क्यों ना पहले से ही बचाव करें। तो निवारक अनुरक्षण का मूल सिद्धांत यही होता है कि इलाज से पहले ही बचाव करना, कि ऐसा काम हम शुरू से ही करते रहें कि मशीन ख़राब होने ही ना पाए, उसके पहले हम काम को करते रहें, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहें। तो ये होता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि संयंत्र उपकरण तथा मशीनरी को उपयोग करने के लिए सदैव उपलब्ध एवं तैयार रखना। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, कोई काम आप करने जाते हैं उसके पहले ये वाला मेंटेनेंस कर दिया जाता है कि हाँ ये मशीन काम करने के लिए तैयार है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम आ गया है, मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, तो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया गया है। लेकिन आप नहीं तैयार हैं, आप जाएंगे अपने दोस्तों से कहेंगे अरे यार मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पीछे वाला पेज पढ़ रहा था यार, लग रहा था पढ़े ही नहीं हैं, दो टॉपिक मिला हमें तो पता नहीं था ये भी मेरे कॉपी में है, मेरे सिलेबस में है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार होकर नहीं जाते हैं, लेकिन मशीनों के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के डिपार्टमेंट होते हैं वो कहते हैं कि ये मशीन काम करने के लिए तैयार है, ये आगे अपना काम करेगी अच्छे प्रकार से करेगी। सेकेंड पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव बोलता है कि न्यूनतम मरम्मत लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। देखिए जब मशीनें ख़राब हो जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा ही, इसलिए क्या होता है कि ये पहले से जब आप मेंटेन कर लेते हैं सब कुछ, तो आपको बार बार रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपका जो प्रोडक्शन का काम होता है वो एकदम मैक्सिमाइजेशन मतलब अधिक से अधिक किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहती है, सुनिश्चित करना। मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब प्री मीन्स पहले, ठीक। तो इसमें जब उसको कुछ पहले ही कर दिया जाता है मेंटेनेंस, तो ये पता चल जाता है कि हाँ ये मशीन अच्छी तरह से काम करेगी, इसमें कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन फिर भी हो जाती है भाई, वो भी इंसान होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं सबसे, लेकिन तब भी 99% तो 100 सही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है ऑब्जेक्टिव में, अतिरिक्त पुर्जों तथा वैकल्पिक उपकरणों की आवश्यकताओं को कम करती है, आवश्यकताओं को कम करती है। कौन? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे कि होता ये है, आप लोग देखते होंगे जब मशीनें अचानक ख़राब हो जाती हैं, कोई पार्ट तुरंत बदल दिया जाता है, लेकिन जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कर लेंगे, अर्थात पहले से जब मेंटेनेंस हम करके बैठे रहेंगे, तो हमको पता है कि कुछ भी इसमें ख़राब होने वाला नहीं है, तो अनावश्यक उपकरणों की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसका था ऑब्जेक्टिव। अब इसके एडवांटेज को समझते हैं। एडवांटेज ये है कि ब्रेक डाउन तथा व्यर्थ समय में भी कमी आती है। पहली बात ब्रेक डाउन तो होगा नहीं, साथ ही साथ जब पहले से मेंटेनेंस कर देंगे तो बाद में मेंटेनेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो दोनों में समय की कमी हो जाएगी, मतलब समय जान लीजिए आपका एक तरह से बचेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि श्रमिकों की सुरक्षा में भी वृद्धि हो जाएगी, सब एकदम बेफिक्र होकर काम करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि अनुरक्षण और मरम्मत लागतों में भी कमी आएगी, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया ऊपर ऑब्जेक्टिव में ही कि कैसे आएगी। फोर्थ कहता है कि विनिर्माण की प्रति यूनिट कास्ट भी कम आएगी। अब जब सब कुछ काम पहले से हो रहा है और अच्छे ढंग से मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो कॉस्ट आएगी आपकी किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट मतलब पर प्रोडक्ट की कास्ट में कमी होगी। किसकी वजह से? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से। तो आपको थ्री टाइप के मेंटेनेंस यहाँ पे बता दिए, एक और आपका है जिसका नाम है प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव मतलब भविष्यवाणी, ठीक, भविष्यवाणी करना। इसमें क्या, इसमें लिखा गया है कि यह अपेक्षाकृत एक नई अनुरक्षण तकनीक है। इसमें मानव इंद्रियों तथा संवेदनशील तथा शुक्राणु यंत्रों जैसे आडियो के जो कंपन विश्लेषकों, इसके माध्यम से उपकरण के फेल होने के पहले से ही आभास हो जाता है। आप ही लोग देखते हैं कि देख लेंगे आप लोगों की कोई गाड़ी खूब तेज़ी से जा रही है, उसका पहिया ऐसे ऐसे इधर से उधर हो रहा है, तो आप कहेंगे बस आगे जाके घटना हो जाएगी, आप लोग समझ जाएंगे वहीं पे। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं सेंस कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे घटना होने वाली है। आपने सेंसर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या करती हैं, जैसे कोई अजनबी व्यक्ति जाता है, अननोन पर्सन जाता है, तो उसके लिए सेंसर्स लगाए जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, लेसेस फैक्ट्रियों में, तो
ये सब क्या है, ये सब आपका पहले से आभास हो जाता है लोगों को घटना का। अब भूकंप आता है तो कैसे लोग पता कर लेते हैं कि हाँ इतने डेट को भूकंप आएगा, तो वो लोग भी एक तरह से मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन हम यहाँ मशीनों के बारे में मेंटेनेंस पढ़ रहे हैं, तो इसके द्वारा मशीनों में ये पहले पता चल जाता है कि कहाँ दुर्घटना हो सकती है। पता किससे लगाते हैं? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के माध्यम से। अनुरक्षण के इस विधि में उपकरणों की स्थिति को आवर्ती रूप से लगातार रूप से जांचा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, हमेशा मेंटेनेंस ये लोग काम करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं कि क्या घटना इसमें होने वाली है। तो ये था आपका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आपने समझ लिया, आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समझ लिया, आपने शेड्यूल मेंटेनेंस समझ लिया, करेक्टिव या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में समझ लिया, साथ ही साथ मेंटेनेंस होता क्या है ये भी आपको हमने बता दिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, इतना आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। अगला आपसे पूछा जाएगा इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन से आपसे पूछा जाएगा कि इंस्पेक्शन आपका क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसमें इंस्पेक्शन फॉरमैन का क्या काम होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी लाभ हानि आवश्यकता, ये सब इसमें देखा जाएगा। चलिए हम पहले इंस्पेक्शन समझते हैं। इंस्पेक्शन का बेसिकली जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है निरीक्षण, निरीक्षण करना। देखिए जब प्रोडक्ट आपके बनाए जाते हैं तो उनका निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके पहले उसको लॉन्च नहीं किया जाता है, सबसे पहले उसको प्रयोग करके देखा जाता है ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन सबका निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं निरीक्षण होता क्या है। लिखा है कि निरीक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा निर्मित किए गए प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी की जांच की जाती है। निरीक्षण द्वारा प्रोडक्ट के गुणों में वृद्धि नहीं की जा सकती, किंतु गुण नियंत्रण अवश्य हो सकता है और खराबी के कारणों का पता लगाकर उन्हें सुधारा जा सकता है। देखिए यहाँ प्रोडक्ट की एक्सेबिलिटी, जैसे कि आपका जो बोर्ड है वो अप्रूव्ड किया गया है AICTE से, ठीक है, AICTE से अप्रूव्ड है, इस बेस पे आपके कॉलेज चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं उनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स आपके निश्चित किए रहती हैं कि ये स्टैंडर्ड्स अगर ये क्वालिटी इसके अंदर हैं तभी आप इसको बाजार में लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है निरीक्षण, ये सब संभव हो पाता है इंस्पेक्शन की वजह से ही। इसमें केवल आप क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, ना कि क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि प्रोडक्ट आपका एक बार बन जाएगा, उसमें जो जो क्वालिटी आप लोग डाल दिए हैं वही क्वालिटी रहेगा, बाद में आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। जब आप अपना कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तभी आप उसके गुण में इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसके कमियों को सुधार सकते हैं नए नए प्रोडक्ट में। उस प्रोडक्ट में कोई भी कमी आप सुधार नहीं सकते हैं, उसको फिर से पूरा ख़राब करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद नया प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो देखेंगे जो कमी पहले वाले प्रोडक्ट में थी वो इसमें ना होने पाए। आपका ये होता है निरीक्षण। आगे इसका देखते हैं इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ निरीक्षण या इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होता है निरीक्षण का वो ये है कि निरीक्षण द्वारा प्रोडक्ट की कमियों तथा कमजोरियों के स्रोतों का पता लगाया जाता है। जो निरीक्षण होता है इसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट में क्या कमियां हो रही हैं, क्या कमियां नहीं हो रही हैं, इसको हमें कैसे सुधार सकते हैं, ये सब का पता हम लगाते हैं इंस्पेक्शन के ही माध्यम से। यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट रहता है इसका इम्पोर्टेंस, दूसरा आपका कहता है कि दोषपूर्ण उत्पादन को तुरंत ही रोक देना। देखिए जब निरीक्षण करेंगे, मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है उसी समय आप पहुंच गए निरीक्षण करने, तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं कमियां हो रही हैं, तो आप उसको तुरंत वहां पे रोक सकते हैं और आप उसको फिर आके एडवाइस दे के सही कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कस्टमर्स तक खराब प्रोडक्ट न पहुँचने देना तथा उद्योगों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। देखिए जब निरीक्षण कर लिया जाएगा, सब कुछ उसके गुड क्वालिटी सही रहेंगे तो कस्टमर तक सही प्रोडक्ट जाएगा, जिससे आपकी कंपनी का जो प्रतिष्ठा है, मतलब आपकी कंपनी का जो एक बना हुआ है प्रतिष्ठान का कि हमारा कंपनी जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है, लोगों के बीच आपका सही सही भावना बनेगी आपके कंपनी के प्रति। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि निरीक्षण द्वारा उत्पाद के सुरक्षित कार्य करने को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए निरीक्षण के द्वारा ये होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको हम अच्छी तरह से बिना किसी नुकसान के उसको हम आगे तक बना सकते हैं। तो ये क्या इंस्पेक्शन का इम्पोर्टेंस। इसके बाद आता है एडवांटेज।
एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि स्टैंडर्ड निर्धारण करने में सहायता मिलती है। देखिए किसी भी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है। आप भी कोई कंपनी का सामान लेने जाते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड देखकर ही खरीदते हैं। रेट थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन उसका स्टैंडर्ड अलग होता है। सो इससे स्टैंडर्ड भी आपके बनते हैं प्रोडक्ट के। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अंतर परिवर्तनीयता बनी रहती है। इसमें क्या होता है, अंतर परिवर्तनीयता में ये होता है कि इंटरचेंजबिलिटी, जैसे कि मान लीजिए पहला प्रोडक्ट बनाया ये सही से काम नहीं कर पा रहा, इसको रेटिंग मिली 3.2 की रेटिंग मिली, इसी प्रकार से अगला जो रेटिंग बनेगा दूसरे का उसका आप देख पा रहे हैं 4.8 4.9 की रेटिंग मिल जा रही है। तो इसमें बार बार उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। सो इंटर परिवर्तनीयता की स्थिति इसमें हमेशा बनी रहती है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगला इसमें कि जो थर्ड है कह रहा है कि निरीक्षण द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों को प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। मतलब कि जैसे कि हम पहले से जो कुछ भी निर्धारण करते हैं कि यह प्रोडक्ट इतना अच्छी तरह से काम करेगा, उसका स्टैंडर्ड हम लोग पहले ही निर्धारण कर लेते हैं, अगर वह सही निकल जाती है तो आप हर प्रोडक्ट पे वो चांस लेते हैं, जिससे क्या होता है आप किसी भी प्रोडक्ट का आसानी से स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकते हैं, वो भी किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, इंस्पेक्शन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि इसके द्वारा खराब प्रोडक्ट अलग कर दिए जाते हैं एवं सही प्रोडक्ट को ही विक्रय हेतु बाजार में भेजा जाता है। जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, जो प्रोडक्ट सही रहते हैं उसको हम बाज़ार में भेज देते हैं, कस्टमर तक पहुंच जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट खराब रहते हैं वो कस्टमर तक नहीं पहुँचते हैं, जिससे एक तरह से आपका खुद का स्टैंडर्ड बन जाता है आपकी कंपनी का, आपके उद्योग धंधे का। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब कितने तरह से आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके इसमें टाइप दिए गए हैं लेकिन किसी का ब्रीफ डिस्कशन आपको नहीं करना है। अगर कभी पूछ लेता है तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हम बता देंगे, आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं। सो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपका इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स, इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल्स मतलब जो भी आपके मटेरियल आ रहे हैं या जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करना, उसमें देखना कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं सही है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारी फैक्ट्री के लिए जो भी प्रोडक्ट आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनके निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, प्रोडक्ट बनाने पर भी फेल तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनका निरीक्षण किया जाता है। सेकेंड टाइप जो है वो है आपका टूल इंस्पेक्शन। टूल इंस्पेक्शन मतलब औजार परीक्षण, औजार निरीक्षण। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम इसमें आप लोग लिखेंगे टूल इंस्पेक्शन में कि हम प्रोडक्ट को बनाने जाएंगे तो मशीनों के जो औजार हैं, जो टूल्स हैं, उसको हम चेक करेंगे कि क्या ये सही से काम करेंगे या नहीं, क्या इसमें बाद में लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, इन सब का निरीक्षण किया जाता है। जो थर्ड आपका आता है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन में वो है फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। मतलब क्या होता है, जब हम मशीनों को पूरी तरह से एक तरह से समझ लीजिए पूरा तरह से मशीनों को फिट कर देते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर जो हमारा पहला प्रोडक्ट निकलता है उसको हम पहला प्रोडक्ट बना के ही काम को रोक देते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या यह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसके बाद ही हम जो अपना अगला निरीक्षण किया जाता है उसको शुरू करते हैं। तो इसको बोला जाता है पहले प्रोडक्ट का निरीक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट आपसे जो है इसका नेक्स्ट टाइप है वो है आपका वर्क पीस प्रोसेस इंस्पेक्शन, वर्क इन प्रोसेस प्रोसेक्शन, सॉरी वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है इसमें ये देखा जाता है, जैसे कि आपका काम शुरू शुरू में मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं आप लोग, तो उसमें आप लोग देखते हैं काम की प्रगति की स्थिति में आप लोग इंस्पेक्शन कर लेते हैं, जैसे बीच में ही रोक लेते हैं, उसमें जाकर तुरंत आप उसमें जितने प्रोसेस हो रहे हैं सबका निरीक्षण आप लोग कर लेते हैं कि कोई कमी है या नहीं, जिस तरफ काम चाहते हैं उस तरह का या बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये भी एक आपका टाइप्स होता है इंस्पेक्शन का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है सैंपल इंस्पेक्शन। जो सैंपल इंस्पेक्शन होता है उसका मतलब होता है कि आप लोग देखे होंगे
बहुत सारे लॉट रहते हैं, मतलब इसमें एक तरह से नमूने का आप परीक्षण करते हैं। लॉट में से किसी एक प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, उसमें से देख लेंगे दो चार दस प्रोडक्ट का चेकिंग कर लेंगे, उसके बाद आप मान लेंगे कि सभी प्रोडक्ट ऐसे ही हैं। मतलब एक लॉट में से बहुत सारे प्रोडक्ट को या एक पीस को निकाल कर आप उसका इंस्पेक्शन अच्छी तरह से कर लेंगे तो उसे बोला जाता है सैंपल इंस्पेक्शन या सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वह है फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। जो आपका मतलब नेक्स्ट आता है उसका नाम है फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन होता है इसमें मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से प्रोडक्ट आपके बनाए जा चुके हैं, उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं कोई कमियां इसमें तो नहीं है, अच्छे से यह काम करेगा कि नहीं करेगा, इन सब की जानकारी इसके अंतर्गत आपको दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पायलट पीस इंस्पेक्शन। जो पायलट पीस इंस्पेक्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो मास प्रोडक्शन किए जाते हैं, हमने आपको यूनिट बैच एंड मास प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में शायद, तो इसमें क्या होता है जो पायलट पीस इंस्पेक्शन होता है इसमें हम उन्हें सभी प्रोडक्शन का यूज करते हैं, लाइक मास प्रोडक्शन का हम चेकिंग करते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन के द्वारा। जो नेक्स्ट टाइप है आपका है वो है की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। जो कि ऑपरेशन इंस्पेक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, आपका मेन टाइप का इंस्पेक्शन होता है, जैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे इंस्पेक्शन किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें बना पाना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन काम होता है, तो उसके लिए क्या होता है जैसे ही वर्कर या लेबर काम करके हटते हैं तुरंत ही उसका इंस्पेक्शन कर लिया जाता है, मतलब पूरी तरह प्रोडक्ट बना नहीं रहता, और यह बहुत ही ज़रूरी होता है कि ऑपरेशन इंस्पेक्शन को करना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंड्योरेंस इंस्पेक्शन। जो एंड्योरेंस इंस्पेक्शन है इसका मतलब क्षमता का निरीक्षण करना, अब जो प्रोडक्ट आप लोग बना लिए हैं उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी कैसी है, वो सही है या नहीं सही है, इसका इंस्पेक्शन आपका एंड्योरेंस इंस्पेक्शन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है सेंट परसेंट इंस्पेक्शन। सेंट परसेंट इंस्पेक्शन ये जो आपका फ्लोर इंस्पेक्शन है आपका अगला इंस्पेक्शन होगा, इसको बाद में बता देते हैं अभी। अगला जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है सेंट परसेंट इंस्पेक्शन। आपसे कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में डिफाइन करने के लिए भी पूछ लेता है। तो जो सेंट परसेंट इंस्पेक्शन है इसे बोला जाता है 100% इंस्पेक्शन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है कि जितने भी इंस्पेक्शन आपके हो रहे हैं, चाहे वो कैपेसिटी वाला हो रहा हो, चाहे वो आपका एंड्योरेंस वाला हो रहा हो, चाहे आपका पायलट वाला हो रहा हो, चाहे वो टूल इंस्पेक्शन वाला, मतलब सारा इंस्पेक्शन इस प्रोसेस में किया जाता है सेंट परसेंट इंस्पेक्शन में। और जिस प्रोडक्ट का सेंट परसेंट मतलब 100% इंस्पेक्शन हो जाता है वो प्रोडक्ट एकदम अच्छे प्रकार से 100% एफिशिएंसी वाला माना जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है फ्लोर इंस्पेक्शन। अब फ्लोर इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, ये जो होता है एक निश्चित जगह, जैसे कि किसी फिक्स्ड मशीन का या किसी जगह फिक्स प्रोडक्ट को बनाया जाता है वहाँ पे किया जाता है ये फ्लोर निरीक्षण। इसमें क्या होता है कि इसका निरीक्षण हम खुद उस स्थल पर ही जाकर कर लेते हैं जहाँ प्रोडक्ट को बना दिया जाता है, बन रहा होता है। सो ये था इंस्पेक्शन और टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। इसके साथ ही साथ आपको इसका इम्पोर्टेंस, इसका एडवांटेज भी बता दिया। तो जब भी पूछा जाएगा सो आप लोग इंस्पेक्शन के बारे में अच्छी प्रकार से जरूर लिख कर आइएगा। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि नीड ऑफ इंस्पेक्शन को समझाइए, पूछेगा इंस्पेक्शन की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, इंस्पेक्शन की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना रहता है, सिंपल सा इसमें आप लोग लिखेंगे कि भाई प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए, उसमें कोई कमियां तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, मतलब आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इसमें कि इन सबको चेकिंग करने के लिए निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है जिससे हमारे उद्योग धंधे की प्रतिष्ठा बनी रहे। मतलब जो हमने इम्पोर्टेंस में बताया था, जो एडवांटेज में बताया था, आप उसको लिख सकते हैं नीड ऑफ इंस्पेक्शन में, और कुछ भी इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको इसमें समझ कर लिख देना है। अगर इंस्पेक्शन आप पढ़ लेंगे टोटल इसमें आप वही सब लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। अब जैसे हमने आपको बताया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, उसी प्रकार से इंस्पेक्शन करने वाले लोगों को इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अंडर में रखा जाता है।
तो इसमें फर्स्ट है आपका फैक्ट्री में आ रहे कच्चे माल का निरीक्षण करना, जो फैक्ट्री में माल या प्रोडक्ट जो कुछ भी आएगा उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करना, कोई उसमें कमियां तो नहीं है, ये होता है इनका कार्य। सेकंड काम जो है वो ये होता है कि निर्माण कार्य में किए जा रहे औजारों का निरीक्षण करना, जो भी प्रोडक्ट आपके बनाए जा रहे हैं उनके औजार सही से हैं या नहीं, उसको बनाने वाले औजार जो टूल हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसका भी निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको हम लिखने का एक तरीका बताते हैं। आपने देखा टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, आपने टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन देखा ना, तो देख लीजिए पहले आप क्या रखते थे, इनकमिंग रॉ मटेरियल्स का निरीक्षण फर्स्ट टाइप, सेकेंड आप लोग देख रहे थे टूल का इंस्पेक्शन। तो आप जो है लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, मतलब टाइप्स वाला भी इसी में आप लिख सकते हैं, फंक्शन में भी, आखिर इंस्पेक्शन का ही तो पार्ट है, मिला जुला कर सब कुछ एक में मिला के खिचड़ी कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, खा लीजिएगा। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि अर्धनिर्मित माल का परीक्षण, मतलब अभी कार्य जो है प्रगति में हो रहा है तो इसका भी निरीक्षण किया जाता है, जो कि कौन करेगा, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लोग करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्पादन कार्य में प्रयुक्त होने वाली मशीनी औजारों का भी निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि बन चुके प्रोडक्ट का भी निरीक्षण करते हैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लोग। सो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंस्पेक्शन के बारे में क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है और ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग भी है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ड्यूटीज ऑफ एन इंस्पेक्शन फोरमैन, ड्यूटीज ऑफ एन इंस्पेक्शन फोरमैन ये क्या होता है। देखिए ये बेसिकली जो आप ऊपर अभी पीछे पढ़कर आए हैं फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, वही आप इस वही उसी को इसमें लिख दीजिएगा, ड्यूटी ऑफ एन इंस्पेक्शन फोरमैन, मतलब एक फोरमैन निर्धारित किए जाते हैं जिसे इंस्पेक्टर नाम दिया जाता है, वो हमेशा सब कुछ चेक करते रहता है कंपनी में, और उसको हम फोरमैन भी बोल सकते हैं। तो जो काम फंक्शन डिपार्टमेंट का होता है, जो डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का जो काम होता है वही काम इंस्पेक्शन फोरमैन का भी होता है। सो वही वर्क आप इस पार्ट में भी आप लोग लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ओके सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वालिटीज, मतलब जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है क्वालिटी जो काम करते हैं में क्या क्वालिटी होना चाहिए, या आपसे पूछेगा जो इंस्पेक्शन फोरमैन होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी जो है वो है इसमें जो फोरमैन होते हैं उनके अंदर सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें लीडरशिप का गुण होना चाहिए, कि वह एक दूसरे को आसानी से एक तरह से लीडरशिप का काम करें, लोगों को सही से काम दें और सही से उनका काम कंप्लीट भी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उसमें धैर्य भी होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंवारा के बैठ जाए, अनपढ़ रहे हैं, कोई काम ना हो पाए, प्रतिभावान भी वो होना चाहिए। भाई अब क्वालिटी लिखना है तो आप लिख सकते हो यार, मशीन डिज़ाइन में पढ़ा नहीं है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में तो आपने पढ़ा ही होगा कि अच्छे मशीन डिज़ाइनर का क्या वर्क होता है, उसके क्या क्वालिटीज होती हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मशीन डिज़ाइन में पूछा जाता है आपसे। अगला है कि उसमें मेट्रोलॉजी और यंत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे जो चेंजेस रहते हैं यूनिट्स में, वो सब ध्यान में उसको रख के रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्वालिटी होना चाहिए कि उसमें कास्ट के संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए, पता चले मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है उसको जानकारी ना हो, वो डेली 90 रुपये में बेच बेच के आ रहा है, डेली 10 रुपये का नुकसान कर रहा है और फैक्ट्री को घाटे में ले जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वह अच्छे जानकारी वाला ही होना चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज आप लोग लिख सकते हैं एक इंस्पेक्शन फोरमैन का। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि क्वालिटी कंट्रोल को समझाइए, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है इसको समझाइए। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना रहेगा ये सब आपको हम बताते हैं। देखिए क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसमें लिखा गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो निर्मित उत्पादों के गुणों पर नियंत्रण रखने हेतु प्रयुक्त होती है, अतः हम कह सकते हैं कि निर्मित प्रोडक्ट में वे गुण अवश्य होने चाहिए जिसके लिए वह बनाया गया हो, जिन गुणों के आधार पर कस्टमर प्रोडक्ट का चयन करता हो। क्वालिटी कंट्रोल मतलब गुण का नियंत्रण करना। अब किसी प्रोडक्ट को बनाया गया है कि यह डेली, मान लीजिए आपका लाइट होता है ना, इमरजेंसी लाइट, मान लीजिए उसको बनाया गया कि यह डेली आपका 2 घंटे चार्ज होगा तो आपको डेली 5 घंटे लाइट देगा, तो इस क्वालिटी पर उसको खरा उतरना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इसकी क्वालिटी कंट्रोलिंग दी गई है 5 घंटे, ठीक है, तो इसमें जिस क्वालिटी के लिए उसको बनाया गया है वे सभी गुण होने चाहिए, तभी उसको बोला जाएगा क्वालिटी कंट्रोल। आपको बनाया गया है, सॉरी
आपको पढ़ाया गया है, टोटल सब्जेक्ट में 5 चैप्टर हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, आपका टोटल कंप्लीट है और आपको पास करना है अपना एग्ज़ाम। अगर आप उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, बैक आ जाती है सब कुछ पढ़ने के बाद, तो आपके अंदर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, आप उस रेस से बाहर हो गए हैं। जिस काम के लिए आप बने हैं उस काम को करिए, पृथ्वी पे बोझ की तरह मत रहिए, अपने काम के प्रति हमेशा अग्रसर रहिए। सो ये आपको प्रोडक्ट के बारे में समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट को ऐसा बनाना चाहिए जिस तरह से उसको बनाया गया है, जिस काम के लिए उस पर वह खरा उतरे उस तरह वह अपनी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस को दिखाए, जिससे क्या हो आपके कंपनी की प्रतिष्ठा बनी रहे। तो यह होता है क्वालिटी कंट्रोल। लिखा गया है कि किसी प्रोडक्ट की अच्छी गुणवत्ता वाला तब कहेंगे यदि वह प्रोडक्ट जिस काम के लिए बनाया गया हो अगर वह उसके अनुरूप कार्य करे तो। अब आपको लोग अच्छा क्यों कहेंगे? जब आप फेल हो जाएंगे तो आपको अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। आप पास जाइए, टाइप कीजिए अच्छे से, तब लोग आपको अच्छा कहेंगे। आप फोन लेते हैं 2 GB का, 2 GB रैम का, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। जब आप 8 GB रैम का लेंगे तो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसका रेट भी उसी तरह से है, उस काम के लिए उसको बनाया गया तो वह काम कर रहा है। अब जिसकी जितनी क्वालिटी होगी उसी के अनुसार ही तो वह काम करेगा। अब कैपेसिटी है 10 किलोग्राम भार उठाने की, तो वह 11 किलोग्राम का भार कहाँ से उठा पाएगा? सो यहाँ पे क्वालिटी, अब क्वालिटी कंट्रोल पूछा है तो उसका ऑब्जेक्टिव तो लिखना ही पड़ेगा। सो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो ये कहता है कि प्रक्रियाओं में सुधार करके अस्वीकृत होने वाले उत्पादों की संख्या को कम करना। मतलब ये होता है क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से हम जब देख लेंगे किस प्रोडक्ट में कौन सी कमियां हो रही हैं तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो इससे पहले ही हम इंस्पेक्शन कर लेंगे। तो इंस्पेक्शन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कमियां हैं क्या नहीं कमियां हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर लेंगे, उस प्रोडक्ट को आगे तक नहीं ले जाएंगे। जब आगे तक नहीं ले जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट उसके बाद जो बनाए जाएंगे सब सही निकलेंगे। तो इसमें जो रिजेक्ट माल होते हैं उनकी संख्या कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रोडक्ट में आ रही कठिनाइयों को भी इसके माध्यम से हम लोग दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि प्रोडक्शन के समय सुधार तथा प्रोडक्ट की गुणवत्ता को भी कंट्रोल किया जा सकता है क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें कहता है कि उपकरण को प्रगति की तरफ भी ले जाया जा सकता है। जो भी आपके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे हैं, बिना रुके काम वो कर रहे हैं, इससे क्या होगा आप उसको आगे अर्थात प्रोग्रेस की स्थिति में ले जा सकते हैं। सो ये क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद एडवांटेज देखते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल का एडवांटेज है वो क्या है? इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट बनते हैं इसके माध्यम से वह हाई क्वालिटी वाले होते हैं, जो इनका स्तर रहता है वह उच्च गुणवत्ता का होता है। ठीक, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका एडवांटेज में लिखना है वो लिखेंगे आपके उत्पादन दर में वृद्धि होगी। जब भाई प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा, जो डिमांड है वह सॉरी जो सप्लाई है वह डिमांड से अधिक हो जाएगी, तो श्योर है प्रोडक्शन ज़्यादा करना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुल उत्पादन लागत में भी कमी आने लगेगी। जब मास प्रोडक्शन करेंगे तो 4 रुपये आप लोग इधर उधर नहीं देखेंगे, आप उसमें कमी करके प्रोडक्ट को आप आसानी से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि बिक्री के उपरांत ग्राहक संतुष्ट भी रहता है। अब उसको उसकी क्वालिटी का सामान मिल रहा है तो संतुष्ट रहेगा ही रहेगा। तो ये था एडवांटेज। इसके बाद इसका जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसको समझते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पे कौन कौन से आपके फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसको हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। देखिए मेन बात यह होती है, प्रोडक्ट तो आप बना लेंगे लेकिन उसमें जो सामग्री यूज किया जाएगा, जो रॉ मटेरियल्स उसमें यूज किए जाएंगे, क्या वो सही है या नहीं सही है? अगर इंस्पेक्शन के समय कोई गलत सामान चला गया है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल आप सही नहीं कर पाएंगे, तो वह अफेक्ट डाल सकता है प्रोडक्ट के बनने के बाद। नेक्स्ट आपका कहता है कि प्रोडक्ट के निर्माण में प्रयुक्त विधियाँ तथा मशीनें। हमने आपको बताया था मेंटेनेंस में कि जब मशीनें कभी अचानक ख़राब हो जाती हैं तो हड़बड़ी में हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हम कुछ गलत तरीका भी अपना लेते हैं, मशीनें सही से काम नहीं करती हैं, वहाँ पे भी यह फेल हो जाता है। सो ये भी फैक्टर अफेक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है पूंजी की लागत भी। पता चले आपको 100 रुपये डेली लाभ हो रहा है, आप सोच रहे हैं मेरा ये 100 रुपये बचा जाए और 10 रुपये लगा रहे हैं, तो भाई अफेक्ट ये भी डाल सकता है। आप अच्छी क्वालिटी का मशीन अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कारखानों में कार्यरत श्रमिक तथा उनका कौशल। अब आपके फैक्ट्री में पता चले बिना पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, मशीन खराब हो जा रही है, काम बाधित है,
तो ये भी आपका एक तरह से समझ लीजिए नुकसान ही होता है। सो अच्छे लोगों को फैक्ट्री में रखना चाहिए और तभी आपका काम जो है वो आगे हो सकता है। सो ये था आपका फैक्टर अफेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एडवांटेज क्या था इसका, इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव क्या था क्वालिटी कंट्रोल का, और क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, इसको हमने टोटल आपको समझा दिया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। क्या होता है क्वालिटी, पूछेगा कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, इसको समझाइए। तो देखिए क्वालिटी एश्योरेंस भी कुछ इसी टाइप का होता है। इसमें भी हम क्वालिटी को ही कंट्रोल करते हैं और जो कुछ भी क्वालिटी इसके अंदर होती हैं किस कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब के बारे में क्वालिटी एश्योरेंस के माध्यम से ये जानकारियाँ दी जाती हैं। सो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है इसको हम समझाते हैं। देखिए जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपको विश्वास दिलाते रहते हैं, यू कैन डू इट, तुम ये काम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, उसी प्रकार से जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है इसमें भी जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जब आप प्रोडक्ट आपको कस्टमर्स को बेचते हैं तो उनको यह विश्वास दिलाया जाता है कि इस प्रोडक्ट में सभी गुण हैं, जिस काम के लिए आप इसको ले रहे हैं उसको 100% यह काम देगा, आपको थोड़ा सा भी लॉस नहीं होगा। सो उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब गुणवत्ता का आश्वासन देना कि मतलब ये सभी गुण इसके अंदर हैं, ये इस तरह से काम करेगा। सो क्वालिटी एश्योरेंस में हमने आपको बता दिया और आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं, आपके डेली लाइफ की तरह है। आप भी लोगों को आश्वासन देते रहते हैं ना, यार मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, पढ़े सब हो जाते हो, पढ़ के लिख के बैठे रहते हो, कहते रहते हो यार मैं पढ़ा ही नहीं, आप ऐसा उसके अपने दोस्त के सामने रिजेक्ट करते हैं कि उसको लग जाता है हाँ बंदा सही में नहीं पढ़ा है, अगले दिन से जाकर वो भी वही गलती करने लगता है। आप कहते हैं मैं आज 10 बजे तक 3 वेब सीरीज देखा हूँ, तो कहता है वो भी नहीं पढ़ रहा है, मैं भी नहीं देखूंगा, तो आप आश्वासन दिला देते हैं उसको। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस है क्वालिटी एश्योरेंस में भी। ये क्या करता है, इसके माध्यम से इसके जो कर्मचारी होते हैं वो कस्टमर्स को भरोसा दिलाते हैं कि आप जो प्रोडक्ट लेंगे उसके अंदर सभी क्वालिटी होंगे, सभी गुण होंगे। सो आपका ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ये क्या होता है, चलिए हम उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है सांख्यिकीय गुण नियंत्रण। क्या होता है सांख्यिकीय गुण नियंत्रण, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटिस्टिकल क्या होता है। ठीक, स्टेटिस्टिकल क्या होता है मतलब सांख्यिकी क्या होता है। तो देखिए सांख्यिकी क्या होता है, आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डाटा निश्चित किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इसमें डाटा रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं और इसको हम इस तरह से लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि निरीक्षण के समय सब ये सब काम होता है। इसमें एक प्रकार के डाटा बनाए जाते हैं लोगों के सामने, हम इसको प्रकट करते हैं, इसमें टेक्निकल नॉलेज को बताया जाता है कि इस मेथड से यह प्रोडक्ट आपका बनाया गया है। सो ये सब सांख्यिकी के अंतर्गत ही आते हैं। अब क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्वालिटी प्रोडक्ट में ऐसा होना चाहिए कि जिसके लिए उसे बनाया गया उसके अनुरूप कार्य करें। अब इसमें कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है कि किसी वस्तु का जब हम लोग निरीक्षण करते हैं उसमें जितनी सारी कमियां होती हैं उसको कंट्रोल करके उसको हटा के उसको नए नए टेक्निकल नॉलेज से उसको अच्छे प्रकार से बनाया जाए। तो इसका टोटल एक ब्रीफ डेफिनेशन निकल कर आता है जो कि लिखा गया है कि निरीक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके मितव्ययी उत्पादन विधि में सांख्यिकीय तरीकों का प्रयोग करना ही सांख्यिकीय गुण नियंत्रण कहलाता है। मतलब इसमें क्या है, जो कुछ भी आंकड़े प्राप्त हों निरीक्षण के दौरान, क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं हैं, कौन सा काम इसमें हम करें कि हमारे प्रोडक्ट अच्छी तरह से काम करें, उन सब का विश्लेषण किया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि ज़्यादा हमारा उसमें खर्च ना हो, लाभ ज़्यादा हो, उस सब का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है और उसी को ही हम बोलते हैं सांख्यिकीय गुण नियंत्रण। ठीक, और अथवा हम लोग इसमें भी और बोल सकते हैं कि उत्पाद के गुणों में होने वाले ह्रास को बारंबारता के सिद्धांत पर आधारित सांख्यिकीय तकनीक के द्वारा नियंत्रित करना ही SQC स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। मतलब आपने पढ़ा होगा इंटर में माध्यमान बारंबारता, संचयी बारंबारता, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो सब भी मेथड आपके इसमें अपनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में, वो सब भी आपके यूज होते हैं। सो आप लोग कहते हैं ये सब क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब आप जाएंगे कहीं अच्छे जॉब करेंगे तो वहाँ पर इन सब का यूज
होता रहता है। हाई लेवल पे हो जाएंगे तब तो राज राज है, लेकिन लेबर के तौर पर रहेंगे तो इन सब की जानकारी आपको वहाँ पे प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती है। तो ये हो गया आपका SQC मतलब सांख्यिकीय गुण नियंत्रण। अब इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे हम। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि दोषपूर्ण यूनिट के उत्पादन को रोक देना। इसके द्वारा भी हम ऐसे प्रोडक्शन को रोक देते हैं जिसमें कोई कमियां रहें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मितव्ययी तथा उचित स्टैंडर्ड्स का भी निर्धारण इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं SQC से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ऐसे प्रक्रमों की खोज करना जिनमें गुणवत्ता स्तर गिरने की संभावना कम हो। मतलब हम ऐसा प्रोसेस इसके माध्यम से अप्लाई करते हैं कि जो कुछ भी कमी रहे वो एकदम कम हो जाए, ठीक है, कमी होने ही ना पाए, गुणवत्ता का स्तर जो रहे वह बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उत्पादन की गुणवत्ता तथा लागत पर भी कंट्रोल करना। अब पता चले क्वालिटी बढ़ाते जाएँ, पता चले आप खुद लॉस में चल जाएँ, तो इन सबको कंट्रोल करना भी आप अपने बारंबारता श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, जो कि संभव हो पाता है SQC से, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि जहाँ तक संभव हो पुनः कार्य की परिस्थिति ना आने देना। अब भाई जब आप लोग एक तरह से चार्ट के माध्यम से, एक तरह से समझ लीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के माध्यम से सब काम अपना देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हो रही हैं, मान लीजिए आज आपका टोटल 6 घंटे काम हुआ, इसके लिए 10 लेबर लगे, तो आप डेली का गणना इसमें करते रहते हैं, तो आपको ये तो श्योर हो ही जाना चाहिए कि दोबारा कोई काम ना करना पड़े, एक ही बार में प्रोडक्ट आपका अच्छे प्रकार से बनकर तैयार हो जाए। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है। ये शायद आप पिछले बार पूछा गया था कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, इसको आपको समझाना पड़ता है कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, मतलब स्वीकृत प्रतिचयन क्या होता है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी लॉट में से एक प्रोडक्ट को उठा लेंगे और उसे आप मानेंगे कि यह पूरी तरह से बन गया है, इसके अंदर सभी क्वालिटी हैं जिसके द्वारा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी तरह से हो सकती है। सोच समझते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होती क्या है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो सब बताएंगे आपको। फर्स्ट आपका है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कहते किसे हैं। देखिए इसमें बहुत सारा लिखा है, हमने लिखा ये है कि यह स्टैटिस्टिकल गुण नियंत्रण की एक विधि होती है, जो SQC हमने आपने ऊपर बताया था आपको। इसका प्रयोग प्रोडक्शन के गुण स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होता है इसको हम किसी भी प्रोडक्ट के गुण के जो स्तर है, मतलब जो गुण की स्थिति है, उसको बनाए रखने के लिए हम करते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि निर्मित माल के किसी लॉट में से, मतलब अब इसका प्रोसेस बताने जा रहे हैं आपको। लिखा गया है कि निर्मित माल के किसी एक लॉट मतलब बहुत सारे हजारों अनगिनत प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसमें से कुछ नमूने को लेकर उनका परीक्षण करके यह देखा जाता है कि कितने परसेंट तक खराब माल है। एक निर्धारित परसेंट तक खराब माल वाले लॉट को एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जबकि इस निर्धारित प्रतिशत से अधिक प्रतिशत खराब वाले माल को लॉट से रिजेक्ट किया जाता है। अब मान लीजिए एक परसेंटेज बना लिया जाता है कि किसी प्रोडक्ट में अगर इतनी कमियां हैं तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा परसेंट की कमियां उसमें हैं तो हम उसको बाहर कर देंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ये सब संभव हो पाता है आपके एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के ही माध्यम से। तो ये भी आपका एक मेथड होता है इंस्पेक्शन का ही, इंस्पेक्शन निरीक्षण का ही ये भी एक मेथड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, मतलब इसका एडवांटेज क्या है। दिया है कि इसमें कम निरीक्षकों की आवश्यकता होती है। भाई प्रोजेक्ट जब आपका प्रोडक्ट जो है बहुत हज़ारों संख्या में बनाया जा चुका है, तो उस कंडीशन में हम ये तो है नहीं कि बारी बारी सबका चेक करेंगे, बारी बारी चेक करते रह जाएंगे तो 10 महीना लग जाएगा चेक करते हुए। सो उसके लिए एक ही बार में कम निरीक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, सब लोग चेक कर लेते हैं, एक परसेंटेज निर्धारित कर देते हैं, सो इसलिए यहाँ पे कम निरीक्षकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्पीड के लिए निरीक्षक आसानी से व दक्षता से प्रशिक्षित किए जाते हैं। इसमें जो कुछ भी आपके रहते निरीक्षक पढ़े लिखे होते हैं, टेक्निकल नॉलेज वाले होते हैं, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग अपना दिखा सकें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक ही निरीक्षक द्वारा 100% निरीक्षण में की जाने वाली त्रुटियाँ भी कम हो जाती हैं। अब एक निरीक्षक कह दिया कि 100% इसकी क्वालिटी है, लेकिन और निरीक्षक भी इसमें रहेंगे ना, तो उन लोगों की सबकी जांच की जाती है, सब लोग जिस पे कहते हैं
उस बेस पे उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है जो भी प्रोडक्ट उसमें रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक नवीना अस्वीकृत होने पर पूरा समूह लॉट से अस्वीकृत हो जाता है, अतः अधिक प्रभावी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अपनाने का दबाव रहता है। अब सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों की यही हो जाती है, सो इसका एडवांटेज ये मिलता है कि वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको अच्छी तरह से बनाते हैं, क्योंकि अगर उस लॉट में से कोई एक भी प्रोडक्ट खराब मिला, अगर वह 1000 प्रोडक्ट का लॉट है तो सभी 1000 प्रोडक्टों को निगलेक्ट किया जा सकता है। इसलिए दबाव रहता है लोगों के बीच, कर्मचारियों के बीच, कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि कोई कमी कोई निकाल ना पाए, तो ये हो गया एडवांटेज। ठीक, अब सैम्पलिंग प्लांट्स ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लांट, दूसरा होता है डबल सैम्पलिंग प्लांट। तो इसको समझते हैं आप, इसका हिंदी अगर आपको जानना हो तो सैम्पलिंग प्लांट्स का मतलब एक्सेप्टेंस, सैम्पलिंग का मतलब हमने बता दिया स्वीकृत प्रतिचयन। अब ये दो टाइप्स के होते हैं आपके, जिसमें आपका फर्स्ट है सिंगल, मतलब इसमें एक ही बार स्वीकृति दी जाती है, लेकिन जो डबल होते हैं इसमें दो बार चेकिंग की जाती है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग सिंगल सैम्पलिंग प्लान, मतलब एकल प्रतिचयन योजना। एकल प्रतिचयन योजना ये क्या होता है? देखिए बेसिकली इसमें जो होता है कि प्लाट के अंदर लॉट में से बेहतर रूप में केवल एक ही नमूने, एक ही प्रोडक्ट का हम लोग नमूना लेते हैं। एकल नमूने का तात्पर्य एक इकाई ही नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारी इकाइयां भी हो सकती हैं। मतलब इसमें एकल ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट लेंगे, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हम लेंगे, ठीक है। और लॉट की स्वीकृत या अस्वीकृत नमूने के दोषों की संख्या पर निर्भर करता है। भाई अब तो होता नहीं एग्जाम दे के आए हो, रिजल्ट ही बताएगा फेल हो गए या पास हो गए। अब यहाँ से प्रोडक्ट उठा लिए गए हैं चेकिंग के लिए, अब तो रिजल्ट ही आएगा कि ये जो लॉट है 1000 का वो रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा। ये हो गया आपका सिंगल सैम्पलिंग प्लान। सेकंड की अगर हम बात करें जिसका नाम है डबल सैम्पलिंग प्लान। डबल सैम्पलिंग प्लान क्या है? इसके अंतर्गत नमूने में स्वीकृत संख्या से अधिक दोष पाए जाने पर पूरा लॉट अस्वीकृत नहीं किया जाता, वरन मतलब बल्कि फिर से दूसरा नमूना लेकर उसकी क्वालिटी की जांच की जाती है। मतलब इसमें दो बार चांस दिए जाते हैं, एक बार खराब हो गया तो दोबारा फिर से जांच की जाती है, फिर से चेकिंग की जाती है, क्या अब भी इसमें कोई समस्या नहीं है, तो उसके बाद इसको स्वीकृत मिलती है। तो ये था आपका एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, इसको पढ़ लीजिएगा, पूछा गया था और हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। इन सबको हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखा है। सो आगे चलते हैं, जो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाता है स्टैंडर्ड्स के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड लिखा होता है, ऐसे ISO 9000 और ISO 14000। तो ये सब क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो ये सब एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसको समझते हैं। इसमें देखिए पूछा जाएगा ISO 9000 स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो कैसे जानेंगे आप कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसके अंडर में आता है? आखिर ये क्यों लिखा गया है किसी प्रोडक्ट पे ISO 9000 क्यों लिखा गया है? क्या काम है इसका? तो इसको समझाते हैं। देखिए इसका बेसिकली जो काम होता है वो यहाँ पे लिखा गया है कि विभिन्न निर्माता अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय अक्षर स्तर पर खरा उतरे, ठीक है, ठीक। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने कुछ ऐसी मानक श्रृंखलाएँ तैयार की हैं जिनकी मदद से निर्माता अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता का स्तर बनाए रख सकता है। देखिए होता नहीं है, जैसे हमने आपके कॉलेज के बारे में बताया कि उसका स्टैंडर्ड है, आपके कॉलेज में AICTE का एक स्टैंडर्ड है कि आप कोई भी पॉलिटेक्निक जो है इसके अंडर में तब आएगा जब उसके यहाँ इतने कमरे रहेंगे, एक फील्ड रहेगी, ये लैब रहेगी, वो लैब रहेगी, तब उसको स्टैंडर्ड दिया जाता है। सो ISO जो 9000 है इसने भी अपना स्टैंडर्ड बनाया है कि हम आपको अप्रूवल तभी देंगे जब आपके अंदर ये सभी क्वालिटीज रहेंगी। तो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो सब अभी आपको हम आगे बताएंगे। पहले समझ लीजिए ISO 9000 स्टैंडर्ड होता क्या है। होता यह है किसी भी कंपनी में सब स्टैंडर्ड्स आपके दिए जाते हैं जिसमें देखा जाता है ये सब क्वालिटीज हैं या नहीं है, तो सब बताएंगे नीचे। तो लिखा गया है कि ISO ने कुछ ऐसे श्रृंखलाएँ तैयार की हैं जिसकी मदद से निर्माता अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता का स्तर बनाए रख सकता है। इसमें प्रमुख श्रृंखला ISO 9000 है।
ISO 9000 का सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पादन कंपनियां तथा एक्सपोर्ट्स अपना व्यापार अन्य देशों में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जिस कंपनी को स्टैंडर्ड्स इसका प्राप्त रहता है वो अन्य देशों में भी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में प्रचार कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होता है? बेसिकली ये देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया था, पिछले बार पूछा गया था स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर। सो इसका लाभ क्या है? इसका लाभ फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेना संभव होता है। इसके माध्यम से आप इंटरनेशनल क्षेत्र में कोई भी काम आप आसानी से कर पाएंगे, उद्योग धंधे से, व्यापार से रिलेटेड। सेकंड लाभ जो इसका यह एडवांटेज है वो है कि बचत के साथ क्रय करने में भी आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि लोग कहेंगे आपका स्टैंडर्ड है, आपसे लोग सामान खरीद लेंगे, लेकिन बाहरी वाले जो अन्य लोग हैं उनसे नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उनके पास स्टैंडर्ड नहीं है। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि श्रमिकों का मनोबल बढ़ता है और उत्पादकता भी बढ़ती है। जो उस फैक्ट्री में जाएगा, आप क्यों चाहते हैं मैं इसरो में चला जाऊं, मैं आप क्यों चाहते हैं कि मैं नासा में जाऊं, और बहुत सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन आप कहते हैं वहां जाने के बाद कुछ अलग ही भाव रहेगा। इस प्रकार से जो लेबर, जो वर्कर इस सभी स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाता है कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री में, इतने बड़े स्टैंडर्ड्स में काम कर रहा हूँ। मनोबल बढ़ा रहेगा, लोगों का मनोबल बढ़ेगा तो अच्छी तरह से प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी। फोर्थ पॉइंट आपसे कहता है कि क्रय करने में लगने वाला समय भी कम लगेगा, क्योंकि ISO प्रमाणित संस्थाओं में सीधे सीधे क्रय किया जा सकता है। आप देखे होंगे छोटी फैक्ट्रियां जल्दी सक्सेस नहीं हो पाती, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों से सामान बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड बन चुका है। चाहे उसके बाद वो सामान भले ही बेकार बेचें, लेकिन वो स्टैंडर्ड अपना खुद का बना चुके हैं। उन्हें भी झटका लगेगा कभी ना कभी, लेकिन उस समय उनकी ही चलती है तो उनका ही चलता है। सो ये था एडवांटेज, ISO 9000 का एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज है कि असेसमेंट्स तथा रजिस्ट्रेशन करवाने में खर्च अधिक आता है। ठीक है, असेसमेंट मतलब जो कुछ भी आपका व्यवसाय होता है, और जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसका जो रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है उसके लिए आपको बहुत अधिक रुपया खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपको फैक्ट्री में जो कुछ भी इस स्टैंडर्ड्स का रूल्स रेगुलेशंस है वो सब रहेगा, तभी आपको अप्रूवल मिलेगी। तो उसके लिए भाई अब आपको सारा काम करना पड़ेगा, तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा, तो बहुत सारा खर्च हो जाता है इसमें। सेकंड है कि इसमें अनेक संस्थानों की आवश्यकता भी पड़ती है, जैसे कि आप अपने बल पर कुछ करेंगे नहीं तो 4-10 लोगों को गवाह के रूप में रखा जाता है। तो आप उद्योग धंधे का काम कर रहे हैं तो उद्योग धंधे वाले लोग ही रहेंगे, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रहेंगे अलग अलग फैक्ट्रियों में, कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही है कि नहीं। अब कौन नहीं चाहेगा कि हमारा प्रोडक्ट सही से बने, तो क्या वह आपके पास आएगा आपका गवाह बनने? नहीं आएगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, इस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए। थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि योजना के क्रियान्वयन में सावधानी ना बरती जाए तो पूरी प्रणाली भी बेकार हो सकती है। जिस रूल्स रेगुलेशंस पे आपको अप्रूवल दिया गया है, अगर आप उसके अंतर्गत काम नहीं करेंगे तो वह रिजेक्ट भी किया जा सकता है, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज, तो थोड़ा बच के रहना चाहिए इससे। अगला आता है 9000 के अंदर में क्या क्या आ सकते हैं। ISO जो 9000 की सीरीज है, 9000 की जो सीरीज है उसके अंदर में बहुत सारे हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, अगर कहीं पे लिखा गया ISO 9000 तो इस जो है इसका मतलब क्या है? मूल परिभाषा, मानक श्रृंखला या मार्गदर्शन, इन सब का काम जो है इसमें आता है। ISO 9001 जो है उसमें डिज़ाइन के तत्व रहते हैं, विकास, उत्पादन, संस्थापन तथा सेवा के तत्व, ये सब शामिल होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कंपटीशन क्षेत्र में आपके, सो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ISO 9002 के क्या काम है। तो इसका काम उत्पादन एवं संस्थापन के लिए ही केवल लागू होता है। जो ISO 9003 है ये क्या करता है? संपूर्ण परीक्षण एवं संस्थापन का तत्व है इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है ISO 9004, इसमें जो रहता है वो है कि क्वालिटी से संबंधित तकनीकी परामर्श तथा प्रशासनिक परामर्श के घटक, ये सब इसमें आपके शामिल होते हैं। सो आपको लिखना रहेगा तो आप ओनली एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दीजिएगा, उतना ही आपके एग्जाम के लिए बहुत है। ये सब नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब 9000 कंप्लीट हो गया, 9000 हो गया, अब आते हैं 14000 पे। दो ही स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं, एक 9000 का, एक 14000 का। तो 14000 जो है उसको देखते हैं। देखिए ये क्या है,
इसमें भी कुछ उसी प्रकार का है कि यह गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से संबंधित है। देखिए ये जो है आपके एनवायरनमेंट से संबंधित स्टैंडर्ड होता है, इसका पूरा नाम है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। ठीक, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन ISO 14000 में संस्थानों के उच्च प्रबंधन की पर्यावरण नीति को परिभाषित किया गया है। इसमें जो यह स्टैंडर्ड है यह आपके एनवायरनमेंट के बारे में बताता है। इसके साथ ही साथ ISO 14000 उन संगठनों के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है जिन्हें अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रोसेसों को व्यवस्थित और बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। देखिए पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जो दिल्ली का एयर में कितने विषाक्त गैसें हैं, सनलाइट में क्या कमी आ रही है, लोगों तक क्या क्या मतलब इन सब का चेकिंग होता है ना, तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनका भी एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, इनका भी अप्रूवल लेना पड़ता है किससे, ISO 14000 से। ठीक, तो ये सब भी आपको समझ में आया होगा। इसका जो एडवांटेज है वो देखते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि एक ऐसी श्रृंखला यह प्रदान करता है जो लगातार प्रलेखित तरीके से परिणाम दे सकता है। यह ग्राहकों को यह संकेत भी देता है कि आपकी अच्छी और प्रबंधित कंपनी है जो अपने पर्यावरणीय प्रभावों और जोखिमों के शीर्ष पर काम करती है। देखिए लाभ वही सब है कि एक तरह से अपने काम को, एक तरह से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, लोगों का स्वास्थ्य भी इससे सही रहता है, लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं, और जो जोखिम वगैरह आते हैं इन सब से भी इसमें बचा जा सकता है। सो इसके स्टैंडर्ड्स के लाभ हैं ISO 14000 के। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में और है अभी स्टैंडर्ड, इसका भी देखिए अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या है। अलग अलग क्षेत्रों में देखिए कहीं लिखा रहे ISO 14001 से 14004, मतलब वह पर्यावरण प्रबंधन नियम के अंतर्गत आएगा। 14010 से 14015 जो रहेगा वह पर्यावरणीय अंकण छेकड़ के अंतर्गत आएगा, अंकेक्षण के अंतर्गत आएगा। 14001 जो है वह पर्यावरणीय परफॉर्मेंस का आकलन करेगा। जो 14000 आपका यहाँ पे 21 है और 14025 तक ये पर्यावरण का वर्गीकरण में काम करेगा। जो 40 से 43 है या लाइफ साइकिल असेसमेंट्स पे काम करेगा। जो 50 है परिभाषाएं एवं शर्तों को मानेगा पर्यावरण से रिलेटेड। जो 60 है वह एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपके एनवायरनमेंट में यूज किए जा रहे हैं उनकी क्या पहचान है क्या नहीं पहचान है इन सब स्टैंडर्ड्स को बताएगा 14060। सो गाइस यहां तक आपका टोटल होता है कंप्लीट स्टैंडर्ड्स का। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और एक पूछा जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया था ये भी पिछले के पिछले साल। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM जिसे हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल आपने पढ़ लिया, अब इसको भी पढ़ लीजिए। इसमें बेसिकली आपका होता है कि किसी संगठन में विभिन्न समूहों द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों को आकलन करने की प्रभावी प्रणाली को ही TQM कहा जाता है। देखिए संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन मतलब किसी प्रोडक्ट के संपूर्ण गुणवत्ता जितना भी उसमें क्वालिटी हो सके उसको मैनेजमेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम TQM बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि संगठन में पूर्ण गुणवत्ता का वातावरण बनाना, जो प्रोडक्ट बने उसमें टोटल क्वालिटी रहे, किसी प्रकार की कोई कमियां ना होने पाए, इसको निर्धारित करता है TQM। तो इसको बहुत से विद्वानों ने अपने अपने भाषा में डिफाइन किया है, जैसे कि सस्किन और तथा कीसर ने बताया था कि TQM एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति विकसित करना कह सकते हैं जो दक्षता टीम वर्क प्रक्रियाओं उत्पाद तथा सेवा गुणवत्ता में ग्राहकों की संतुष्टि में लगातार सुधार के लिए हमेशा समर्पित रहे, उनके मन भावना को जाने पहचाने जिससे प्रोडक्ट आपका अच्छा बने। सो इसके लिए जरूरी होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी की व्यवस्था करना, उसका प्रबंधन करना। आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आएगा आप उसमें भी लिख दीजिएगा। सीधे समझे ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी के मैनेजमेंट करने का काम होता है, जो प्रोसेस होता है उसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोलते हैं, खत्म। इसके लिए रूल्स क्या है, नियम क्या है, इसका उद्देश्य जो होता है वो क्या है कि प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्थान पर लगातार गुणवत्ता को सुधारना। इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, हर बार प्रथम बार में ही सही काम करना। इसका पैमाना जो होता है वह ग्राहकों की आंतरिक एवं बाह्य संतुष्टि पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से काम
हो रहा है, किस प्रकार से काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है, कस्टमर उसको खरीद रहे हैं, क्या हुआ है, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। नेक्स्ट है टूल्स, इसके लिए शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, संकल्प लेते हैं लोग, लोगों का सहयोग रहता है, जो कुछ भी क्वालिटी के सिस्टम यूज किए जा सकते हैं सब इसमें यूज भी किया जाता है। ओके, ये हो गया। अब इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि इसमें कंपनी लीडर बनती है, फॉलोअर नहीं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भाई, जब अपने प्रोडक्ट में आप सभी क्वालिटी को रखेंगे तो आप श्योर है आपका कंपनी आगे जाएगा। तो इस तरह से आप लीडर का काम करेंगे, ना कि फॉलोअर का काम, और आप लोग भी लीडर बनिए, फॉलोअर नहीं। नेक्स्ट काम है, इससे कंपनी ग्राहक की आवश्यकता के प्रति और अधिक संवेदनशील बनती है। मान लीजिए ग्राहकों के बीच आप बीच में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, ग्राहकों के बीच में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, पता चले इसमें कोई कमी है तो ग्राहक उस कमी को आपको बताएंगे, तो आप उस कमी को ख़त्म करके प्रोडक्ट को सही बनाएंगे। नेक्स्ट है कि अधिक लाभ देता है, उच्च प्रतिस्पर्धा स्थिति भी बनी रहती है टोटल क्वालिटी के द्वारा। नेक्स्ट है कि समस्याओं को हल करने की क्षमता में भी सुधार हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ही द्वारा। ओके गाइस, सो ये हो गया लाभ, एडवांटेज किसका? TQM का। नेक्स्ट आपका पूछेगा TQM का दोष क्या है? तो बेसिकली यह कॉस्टली होता है, जब आप हाई प्रोडक्ट देते हैं तो उसका कॉस्ट महंगा आएगा, वहाँ स्किल वाले लेबर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी लेबर काम करेंगे, तो पैसा सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा, सो यह कॉस्टली माना जाता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक चलने वाला है। अब कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी का चाहिए, तो इसे आप लंबे समय तक उस पर काम करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ती है, नई नई मशीनें लानी पड़ती हैं, तो यह प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता रहता है, और यही सब इसके दोष हैं, और इसके बहुत सारे दोष नहीं हैं। तो ये हो गया आपका टोटल क्वालिटी। आप लोगों से पूछा जाता है सिक्स सिग्मा अप्रोच क्या होता है, मतलब जो सिक्स सिग्मा पद्धति होती है इसके बारे में समझाइए। पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। आप एक ऐसे ऐसे डायग्राम बना देंगे, इसमें आप ऐसे ऐसे इसका बता देंगे, अभी डायग्राम भी नीचे हम आपको बताते हैं, साथ ही साथ आपको हम टेलीग्राम पर भी इसका फिगर सेंड कर देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको ध्यान रहे कि हमने कुछ कहा था आप लोगों से, क्योंकि हमारे माइंड से भी उतर जाती हैं बातें, सो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट देख लेंगे हम, आपके पास शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, सो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सो देखिए सिक्स सिग्मा अप्रोच जो होता है, इसके माध्यम से भी हम प्रोडक्ट के क्वालिटी को समझते हैं। सो यहाँ पे लिखा क्या गया है, जैसे कि देखिए सबसे पहले है कि सिक्स सिग्मा एक प्रोडक्ट प्रक्रिया या सेवा में दोषों को दूर करने के लिए एक सांख्यिकी आधारित डेटा संचालित है, जो कि निरंतर सुधार करती है। मतलब ये भी एक आपका समझ लीजिए प्रोसेस होता है, इसके माध्यम से भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार लाया जाता है, इसे भी एक स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग जानते हैं। इस भी स्टैंडर्ड को पाने के लिए लोगों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है कि हमारी कंपनी को काश ये स्टैंडर्ड मिल जाता, बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है कंपनियों को, उसके बाद ही ये उनको दिया जाता है। आगे इसमें यह भी लिखा गया है कि सिक्स सिग्मा जो होता है जनसंख्या मानक विचलन या का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रक्रिया के बारे में एकत्र किए गए डाटा सेट में भिन्नता का एक उपाय होता है। देखिए जो सिक्स सिग्मा होता है, ये समझ लीजिए एक तरह से पूरे जनता का, एक तरह से पॉपुलेशंस, ठीक, पॉपुलेशंस के ऊपर यह डिपेंड करता है, उसका ये नेतृत्व करता है, क्योंकि इसमें जनता का जो राय होता है। मान लीजिए हमारी कंपनी है, हमने प्रोडक्ट बेचा, जनता के बेच गया, तो जनता निर्णय करेगी कि प्रोडक्ट कैसा था कैसा नहीं था, तब जाके आपको इसका रिस्पांस मिलता है, तब जाके आपको इसकी मोहर लगती है, आपको सिक्स सिग्मा पद्धति का लाइसेंस दिया जाता है। सिक्स सिग्मा को प्रक्रिया परफॉर्मेंस के एक उपाय के रूप में भी सोचा जा सकता है, जो प्रति मिलियन दोषों की संख्या पर आधारित होता है। अगर बहुत सारे दोष हैं आपकी फैक्ट्री में, आपके प्रोडक्ट में, तो यह आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से एग्जाम में लिख कर आइएगा, और इसका यहाँ पे एक फिगर आपको देखिए बना हुआ दिख रहा है। देखिए फिगर को आप बनाएंगे, इधर जो 0.3% हैं और इधर जो 0.13 जो दोनों तरफ से हैं, ये समझ लीजिए आपके स्क्रैप होते हैं, मतलब ये ख़राब माल होते हैं, ठीक है, ये रिजेक्टेड होते हैं। और सुनिए इसमें सिक्स सिग्मा होता है, एक +3 सिग्मा होता है और एक -3 सिग्मा, इन दोनों को मिला के सिक्स सिग्मा नाम दिया गया है। आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे पहले आप देखिए लाइनिंग कर लेंगे, ठीक, तो
दोनों स्क्रैप के मिडिल में जो आएगा, जो दिया गया यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, मतलब जो सिक्स सिग्मा और थ्री सिग्मा प्लस थ्री सिग्मा माइनस पे जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वो 99.74% सही रहेंगे, 99.74% सही रहेंगे। तो सभी कंपनियों को ये सिक्स सिग्मा वाला जो है स्टैंडर्ड नहीं मिल पाता है। लोगों को बेसिकली जो स्टैंडर्ड दिया जाता है वो जो दिया जाता है वो सबसे अधिक प्लस माइनस सिग्मा वन दिया जाता है, उसके बाद प्लस माइनस सिग्मा टू वाला दिया जाता है। क्योंकि जो प्लस माइनस सिग्मा वन है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिस कंपनी को ये स्टैंडर्ड मिलता है उसको उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो क्वालिटी रहती है वह 68.3% सही रहती है। जो प्लस माइनस टू सिग्मा रहते हैं उसके जो प्रोडक्ट के क्वालिटी रहती है वह 95.45% सही रहती हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम कंपनियों को यही दोनों एक तरह से स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, जो थ्री प्लस थ्री माइनस अर्थात सिक्स सिग्मा जिसमें 99.74% वाला, ये सबको नहीं दिया जाता है। ये कुछ गिनी चुनी कंपनियों को ही ये स्टैंडर्ड मिलता है। तो आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा अच्छे से और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने आपको इसका फिगर भेजने के लिए बोला है। तो सो हम टेलीग्राम पे इसको आसानी से सेंड कर देंगे। ओके, सो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। अब इसके भी जब सिक्स सिग्मा पूछेगा तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये भी आपसे पूछा जाता है। सो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव है कि वेरिएशंस को कम करना। देखिए बात है, जब आपको 99.74% वाला मिल जाएगा या 95.47 वाला मिल जाएगा या 45 वाला मिल जाएगा तो प्रोडक्ट का जो वेरिएशन रहेगा वो कम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपके अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट सिग्मा वाला मिलेगा तो वहाँ पे प्रोडक्ट के ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जो ओनली एक सिग्मा है। इसके बाद है वैज्ञानिक तरीकों से समस्याओं का भी हल निकाला जाता है, ये जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है सिक्स सिग्मा का। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूअस सुधार के लिए निम्नतम स्तर पर जिम्मेदारियां भी तय कर दी जाती हैं। लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं कि कोई कमी इसमें ना हो पाए जिससे सुधार हो सके। इसका लाभ क्या है? जो सिक्स सिग्मा है इसका लाभ है कि मेन काम होता है कस्टमर्स पर फोकस करना, कस्टमर लॉयल्टी को इम्प्रूव करना और लेस्ट वेस्टेज मतलब कम से कम इसमें कमी आए, और ये टाइम मैनेजमेंट को भी बढ़ावा देना, टीम बिल्डिंग की भावना रहे, टीम की भावना बनी रहे। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस, इनके बीच जो कस्टमर्स हैं उनके संबंध अच्छे बने रहें ताकि प्रोडक्ट की अच्छी सेलिंग हो। नेक्स्ट है कि डाटा बेस्ड डिसीजन, इसमें जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है वो सब डाटा बेस्ड होते हैं, डिजिटली रहते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। इसको आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। डिसएडवांटेज भी तो होगा ही होगा, होगा ये भाई कि जब आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। तो जहाँ फर्स्ट है कि कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, सेकंड है कि परिणाम प्राप्त होने में भी आपको समय लगता है, कि जल्दी से रिजल्ट इसके नहीं मिलते हैं। प्रोडक्ट बनाता है, कई बार इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके बाद ही इसका रिजल्ट आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ यह प्रक्रिया को दृढ़ता के साथ अनुपालन पर जोर देती है, जो कुछ भी प्रोसेस होते हैं उसके सभी रूल्स रिलेशन को फॉलो करना है उस पर यह जोर देती है। अगर आप उसके विपरीत काम करेंगे तो यह लाइसेंस आपसे छीन लिया जाता है। रोज़मर्रा में होने वाली समस्याओं से तालमेल नहीं बैठता है। इसमें देखिए भाई, अब रोज़मर्रा मतलब डेली जो आपकी समस्याएं हो रही हैं इसमें आप डेली कंजर्वेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे आप ISO 14000 ISO 9000 में कर लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें गिने चुने कंपनियों को ही ये स्टैंडर्ड्स ये लाइसेंस प्रदान होता है। तो इसका एडवांटेज हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया और इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। इसका फिगर भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, टेलीग्राम पे हम सेंड कर देंगे एग्जाम टाइम में आपके, और इसका ये पूरा जो कुछ भी डिफिनेशंस वगैरह हैं ये सब आप लिख सकते हैं। मोटा मोटा ऊपर से हमने अपने लैंग्वेज में बता दिया कि ये भी एक स्टैंडर्ड होता है, इसके द्वारा सभी कंपनी का एक अलग स्टैंडर्ड बनता है, प्रोडक्ट अच्छे बनाए जाते हैं। अब आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख देंगे टोटल क्वालिटी वाला, जो क्वालिटी के बारे में पढ़ाए थे उसके बाद, लेकिन फिगर तो भाई आना चाहिए। फिगर नहीं बनाया तो नंबर कट जाएगा भले आप कुछ भी लिख के आए। तो ये हो गया सिक्स सिग्मा पद्धति के बारे में। ओके, अब मेन टॉपिक आपका आता है कंट्रोल चार्ट के बारे में।
आपसे पूछेगा कंट्रोल चार्ट को समझाइए या इसके टाइप्स कितने होते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे आता तो नहीं है लेकिन हो सकेगा तो हम आपको इसमें बता देंगे। एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कंट्रोल लिमिट क्या होती है, अपर कंट्रोल लिमिट क्या होती है, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होती है, इन सबको हम बता देंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल चार्ट को समझते हैं। देखिए जो कंट्रोल चार्ट होता है इसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वह नियंत्रण में है या नहीं है, क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव है या नहीं है, इन सब के बारे में जानकारी हम कंट्रोल चार्ट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा गया कि ये वे चार्ट होते हैं जिस पर वस्तु के गुण को प्रदर्शित किया जाता है। इस चार्ट पर विश्लेषित विशेषता के मान सैंपल के क्रमानुसार अंकित होते हैं। इन चार्टों की सहायता से यह ज्ञात करते हैं कि विधि नियंत्रण में है या नहीं है, क्या प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है अच्छी गुणवत्ता वाला है या नहीं है, इन सब की चेकिंग जो होती है वह कंट्रोल चार्ट पे चेक की जाती है। आज ऐसे आपका देखिए सबसे पहले लाइन बनाई जाती है कंट्रोल लाइन की, फिर यहाँ पे बनती है लोअर कंट्रोल लाइन की, फिर ऊपर बनती है अपर कंट्रोल लाइन की। ये आपकी समझ लीजिए एक लोकस लाइन होती है। इस पर मान लीजिए आपका अगर 100 पे आपने पैमाना यहाँ पे मान लिया है, अगर वह 110 हो गया तो आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब अपर हो रहा है। मान लीजिए 90 हो गया तो वह कंट्रोल चार्ट आपका नीचे आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि 103 हो गया तो आप यहाँ तक जाएंगे, यहाँ टच कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि दो मतलब 100 हो गया तो आप यहाँ से यहाँ टच करेंगे, मतलब इस तरह से आपका एक चार्ट बनेगा। हम एक तो चार्ट के बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके हम आपको समझा देते हैं अभी। सो, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि इन चार्टों की सहायता से खराब वस्तुओं के उत्पादन को रोका जा सकता है। जो कंट्रोल चार्ट होते हैं इनके माध्यम से जो भी खराब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको हम आसानी से रोक सकते हैं। सेकंड कहता है कि इन चार्ट के माध्यम से निरीक्षण विधियों का एक अलग ही मानकीकरण स्पेशलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है इन चार्ट के माध्यम से। इन सबका यूज जो फैक्ट्रियां होती है जिनको अच्छा लाइसेंस मिला रहता है, 6 सिग्मा वाला मिला रहता है, उन सब में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसके साथ ही साथ तीसरा जो है वो है कह रहा है कि प्रक्रम में कितने परिवर्तन हो रहे हैं, कितने चेंजेस हो रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि इन चार्टों से ये भी पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नियंत्रण में है या नहीं है, आवश्यकता से कहीं अधिक तो नहीं हो रहा है या आवश्यकता को हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। इन सब की जानकारी भी हमें इन कंट्रोल चार्ट के माध्यम से मिलती रहती है। तो आई होप आपको कंट्रोल चार्ट के बारे में समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे हम चलेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट के बारे में देखेंगे। सो चलिए उसको भी आगे हम देखते हैं। देखा जाए तो जो कंट्रोल चार्ट होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, तो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उसको हम समझाएंगे। देखिए हम बता देते हैं जो आपके कंट्रोल चार्ट होते हैं वो आपके बेसिकली सबसे पहले दो टाइप्स के होते हैं। एक जो आपका होता है उसे बोलते हैं हम वेरिएबल चार्ट, जिसे आप लोग कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसको ओनली मेजरिंग के डिवाइस मेजरिंग के रूप में यूज किया जाता है। और एक आपका दूसरा जो होता है वो होता है एट्रीब्यूट चार्ट, ठीक है, दूसरा जो आपका होता है उसका नाम है एट्रीब्यूट चार्ट। ये समझ लीजिए आपका काउंटेड, इसे आसानी से हम काउंट कर सकते हैं, इसको गणना किया जाता है, मतलब लेंथ जैसे हो जाता है किसी प्रोडक्ट में कोई कमी हो गई उससे ये रिलेट करता है, जबकि एट्रीब्यूट चार्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो वेरिएबल चार्ट में भी आपके बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे कि आपका इसमें पहला जो होता है उसका नाम होता है आर चार्ट, जिसे आपको हम रेंज चार्ट नाम से बताएंगे और इसका हम फिगर भी बना के आपको समझाएंगे। उसके बाद जो वेरिएबल चार्ट में सेकंड चार्ट होता है उसका नाम होता है एक्स चार्ट, जिसे आप माध्य चार्ट या मीन चार्ट भी बोलेंगे। तो इन दोनों को हम बताएंगे, इन दोनों का फिगर सही समझाएंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है इसको बताएंगे। और साथ ही साथ जो आपके एट्रीब्यूट चार्ट हैं इसमें आपका पहला होता है पी चार्ट, तो पी चार्ट होता क्या इसको समझेंगे। उसके बाद इसी का जो दूसरा चार्ट का नाम है उसे बोलते हैं एनपी चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट। और तीसरा जो एट्रीब्यूट चार्ट होता है उसका नाम होता है सी चार्ट। तो इतने सारे चार्ट्स पढ़ने हैं आपको, इसका एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है सब बताएंगे। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स चार्ट, जिसे आप लोग माध्य चार्ट भी बोलते हैं, मीन चार्ट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। चलिए एक्स चार्ट देखते हैं। देखिए जो आपका एक्स चार्ट होता है उसे हम माध्य चार्ट में बोलते हैं, मतलब इसमें क्या लिखा गया, यह प्रक्रम की केंद्रीयता को प्रदर्शित करता है। इससे पता चलता है कि जो सैंपल यूनिट्स के समांतर माध्य नियंत्रण सीमाओं अर्थात कंट्रोल लिमिट के अंतर्गत हैं या नहीं है, मतलब ये देखा जाता है
कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया जाता है ठीक है, तो उसके एक कंट्रोल लिमिट रहती है। जैसे आपने इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा होगा कि उसके अगर ज़्यादा इलास्टिक लिमिट से आगे अगर कोई बॉडी जाती है तो फेलियर हो जाती है, आपने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से सभी प्रोडक्ट की एक कंट्रोल लिमिट बनाई जाती है, जिसे दो भागों में आप डिवाइड करते हैं, एक आपका अपर कंट्रोल लिमिट होता है, एक आपका लोअर कंट्रोल लिमिट होता है। तो चलिए जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यह जो 10 लिखा गया है ठीक है, 10 आपका क्या है, कंट्रोल लिमिट है ठीक है। तो ऊपर इसके हमने पावर में लगा दिया है +1.2, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका अपर कंट्रोल लिमिट, ये आपका अपर कंट्रोल लिमिट हो गया। और ये 10 है इसको हमने बोल दिया कंट्रोल लिमिट, और इसके नीचे हमने एक और लगा दिया -1.2, तो ये हो गया आपका लोअर कंट्रोल लिमिट। मतलब मेन जो है कंट्रोल लिमिट 10 है, उसके पावर में जो गया ऊपर वो अपर कंट्रोल लिमिट, और नीचे जो आ गया उसे लोअर कंट्रोल लिमिट हम लोग बोलेंगे। तो अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा कि अपर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होता है, और कंट्रोल लिमिट क्या होता है। सो इसको याद करने के लिए आपको कुछ फार्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फार्मूला हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिए ठीक है। तो सबसे पहली बात, माध्यता ज्ञात करने के लिए आपको आता ही होगा, एवरेज निकालने आता है ना आप लोगों को, तो एवरेज जो निकाला जाएगा उसे हम लिखेंगे कंट्रोल लिमिट, या उसी को हम लिखेंगे एक्स बार, एक्स डबल बार भी इसको लिखेंगे ठीक है। इज इक्वल टू आपका क्या होगा, इज इक्वल टू होगा एक्स वन पे बार प्लस एक्स टू पे बार प्लस डॉट 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 एक्स एन के पावर बार अपान में जितना संख्या जिस रहेगा उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से आपका आर वाला भी ज्ञात करना रहेगा, तो सब बताएंगे आपको आगे, बस आप देखते रहिए। तो कंट्रोल लिमिट बेसिकली जो होता है वही आपका माध्य ज्ञात करने का तरीका होता है, जिसे एक्स डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अपर कंट्रोल लिमिट होती है उसको हम ज्ञात करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट को हम ज्ञात करते हैं, जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स डबल बार लिखा जाएगा, मतलब जो आप माध्य निकालेंगे, प्लस 3 σ x^2, क्या लिखा जाएगा, 3 σ x^2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे सिग्मा क्या है, आप यहाँ पे कहेंगे सिग्मा क्यों आ गया, तो देखिए अब जब क्लास चलाते तो थोड़ा अच्छे समझाते, लेकिन यहाँ समझाने की कोशिश आपको करेंगे। जो यहाँ पे सिग्मा एक्स के पावर में बार है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है आपकी सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन के बराबर होती है। जो यहाँ पे सिग्मा एक्स टू द पावर बार लिखा है, इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होगी। एन क्या है, जो स्मॉल एन है वह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अभी आपको हम बताएंगे, मतलब प्रेक्षण नहीं लिया जाता है कि माना इतना इतना इतना, तो वो है ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्मा एक्स पे बार है, जो यहाँ पे सिग्मा एक्स पे बार है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, जो सैंपल मीन अभी आप लोग निकालेंगे, मतलब जो माध्य आप लोग निकालेंगे उसका ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ठीक है। उसके साथ जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, वह प्रोसेस स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस में कितना डेविएशन हो रहा है वो है ठीक है, मतलब कितना उसमें कमी हो रही है वो है ठीक है। और इसमें हो गया एन का वैल्यू आपको बता ही दिया, सिग्मा भी बता दिया, सिग्मा एक्स भी बता दिया ठीक। तो चलिए इतना आप लोग फार्मूले को नोट कर लीजिए कहीं, जब आप लोगों को चार्ट तो बनाने के लिए एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है चार्ट के लिए, लेकिन फार्मूला आप लिखेंगे एक्स चार्ट के बारे में थोड़ा लिखेंगे, ये सब फार्मूला लिख देंगे ना तो अच्छा नंबर मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिया है, ताकि आप लोग जितना पढ़ा दिए पहले उतना पढ़ लीजिए, लास्ट में पढ़ना रहेगा, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा नंबर अच्छा मिल जाएगा ठीक। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए यह फार्मूला होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो ये होता है एक्स डबल बार -3 σ x^2 ठीक। और वेयर जहाँ पे लिखा गया है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होता है, आपको हमने पहले ही बता दिया। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। इसके साथ ही साथ तो इस प्रकार से जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट निकल कर आएगी वो आएगी, अब अपर कंट्रोल लिमिट जो हमारी निकल कर आएगी वो आपकी कुछ इस प्रकार से आएगी, एक्स डबल बार प्लस 3 σ/√n आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 3 σ जो एक्स बार था उसकी जगह हम इसकी वैल्यू σ/√n रखती हैं, σ/√n इसको रखती हैं ठीक है। इसी प्रकार से जो लोअर कंट्रोल लिमिट निकल कर आएगी वो भी कुछ इस प्रकार से आएगी, x^(-3 σ/√n) निकल के आएगी। मतलब बस वैल्यू इनपुट करते आए हुए हैं और कुछ भी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हम चेंजिंग नहीं किए हैं ओके। सो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, सब फार्मूले हैं, अभी एक फार्मूला हम करवाएंगे। और यहाँ पे देखिए अब आपको सिग्मा की भी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, तो सिग्मा वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है r^(d^2)
तो बता दें जो डी टू होता है, ठीक, जो आपका यहाँ डी टू है ये आपका एक कांस्टेंट होता है, जो आपका डी टू यहाँ पे है वह आपका एक कांस्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, डी टू का मान दिया रहेगा। यहाँ पे जो आर बार है ये आपका रेंज है, ठीक है, आर बार मतलब रेंज चार्ट होता है। इसको ज्ञात करने के लिए भी आपको यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन एक लिया है, यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक, यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, अभी बताते हैं आर बार, ठीक है। जब आर बार निकालेंगे तो इसमें भी आपका रहेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अपान में एन, इसी प्रकार से एक्स बार निकालेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू, मतलब ये भी आपका रेंज निकालने के लिए है, ठीक है। तो आर बार कैसे निकाला जाएगा ये हमने आपको बता दिया, आर बार इक्वल टू जो आपका फार्मूला निकल कर आएगा वो आएगा निकल कर आपका आर वन बार सॉरी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ऐसे डॉट 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 अपॉन में एन रहेगा, ठीक है। और एक्स डबल बार के बारे में बता दिया, तो जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो निकाली जाती है, जैसे कि क्वेश्चन में आपका आ गया है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन आया है तो सिग्मा की वैल्यू कहीं ना कहीं चाहिए, एन की वैल्यू भी आपको एग्जाम में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, डी वन डी टू या डी फोर की वैल्यू भी आपको एग्जाम में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ज्ञात करना पड़ेगा सिग्मा। तो सिग्मा के लिए आर बार अपॉन डी टू है, तो आर बार का फार्मूला यहाँ पे है आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन अपॉन एन हो जाएगा इस प्रकार से। अब जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट बनकर आएगी वो किस प्रकार से आएगी, एक्स डबल बार रहेगा प्लस थ्री रहेगा। अब जहाँ सिग्मा था आपके क्वेश्चन में, जहाँ आपके क्वेश्चन में सिग्मा लिखा गया था, यहाँ सिग्मा लिखा गया था, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे आर बार अपान डे टू, तो आर बार अपान डे टू हो जाएगा इंटू अंडर रूट यानी आपका लिखा रहेगा, इंटू अंडर रूट यानी आपका लिखा रहेगा। इसी प्रकार से लोअर कंट्रोल लिमिट में भी वही हो जाएगा, बस आपका आर बार वहाँ लिख दिया जाएगा और इसकी जगह डेट हो जाएगा अंडर रूट यानी आपका पहले से लिखा रहेगा, या हम लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस ए टू इंटू आर बार। ए टू का मतलब यहाँ पे जो है वह थ्री डी टू अपान अंडर रूट एन है, थ्री डी टू अपान अंडर रूट एन है, कहाँ से, यहाँ से थ्री डी टू अपान अंडर रूट एन है, ठीक है। इस फार्मूले में जो थ्री था और डी टू अंडर रूट एन था, इसको हमने ए टू से रिप्रेजेंट कर दिया बस, और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए माइनस चिन्ह आपका यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा, ओके। सो चलिए अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं एक्स चार्ट और आर चार्ट के बारे में। एक्स चार्ट आपको पढ़ाई दिया क्या होता है, आर चार्ट के बारे में भी अभी हम फार्मूला बताएंगे और उसको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने के लिए कोशिश करेंगे। वैसे आता नहीं आपको एक्स चार्ट ही हम समझा देते हैं और उसके बाद आर चार्ट क्या होता है उसके बारे में बता देंगे, दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये सब आपको हम बता देंगे, ओके। सो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमने लिया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, देखिए लिखा गया है कि इस क्वेश्चन को हम सेंड भी कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें देखिए लिखा गया कि द फॉलोइंग डाटा गिवन रीडिंग फॉर 10 सैंपल ऑफ साइज 8, मतलब ये जो आपका दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें यह कह रहा है कि जो 10 नंबर है 10 नंबर पे और जो 8 नंबर पे, इसमें हमें एक्स चार्ट आर चार्ट बनाना है कि क्या जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो कंट्रोल लिमिट के अंदर है, बाहर जा रहा है, क्या इफेक्ट करेगा, इन सब के बारे में आपको समझना है, इसका कमेंट भी देना है और इसी के अंतर्गत हमें चार्ट को बनाना भी है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे डाटा भी गिवन है, कुछ डाटा भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि दिया गया है एन बराबर 8, जब 8 आठवां सैंपल लेंगे 8 नंबर वाला सैंपल, तो इसके लिए डी टू की वैल्यू दिया है 2.847, डी थ्री की वैल्यू दिया है 0.136, डी फोर की वैल्यू दिया है 1.864, जब 10 वाला सैंपल लेंगे तो उसके लिए वैल्यू दिया गया है 2.916, डी थ्री की वैल्यू 0.227, डी फोर की वैल्यू 2.013। अब हमें जब कंट्रोल चार्ट बनाना रहेगा तो हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी किसकी, जब भी हम कंट्रोल चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी कंट्रोल लिमिट की, अपर कंट्रोल लिमिट की और लोअर कंट्रोल लिमिट की। तो इन सबको ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि आपको सिग्मा की वैल्यू पता होनी चाहिए, डी टू की वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको आर बार की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्स डबल बार की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सब कुछ आपको फार्मूला पता ही है। तो चलिए हम सबसे पहले कंट्रोल लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम, चलिए कंट्रोल लिमिट निकालते हैं। तो कंट्रोल लिमिट का मतलब क्या होता है, एक्स डबल बार, ठीक है। कंट्रोल लिमिट की वैल्यू जो होती है वही होती है एक्स डबल बार, ठीक है। तो एक्स डबल बार या सी एल जो निकालेंगे या एक्स डबल बार निकालेंगे तो बराबर ये जो मीन वाले वैल्यू है, जो मीन वाला रेंज दिखाया गया यहाँ पे, इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। यही इसी को हम मीन बोलेंगे और इसी को एक्स डबल बार भी बोलेंगे, क्वेश्चन में आपके ऐसे लिखा रहेगा। तो सबको जोड़ेंगे
आप करेंगे 5.4 प्लस 5.1 प्लस 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 डॉट 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 डॉट, आपका लास्ट वाला हम यहाँ पे लिखते रहे हैं 5.2, टोटल नंबर आप ऑब्जर्वेशन 10 है, 10 कर दिया। और इसको जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 5.1, कितना आएगा 5.1 आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हमने कर लिया था पहले से ही ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको बता भी दिया तरीका, आप आसानी से सॉल्व भी कर सकें। ओके, अब हम इसी समय आर बार भी ज्ञात कर लेते हैं। तो रेंज वाला जो है ये आर बार है, तो इसको भी उसी प्रकार से कुछ ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी हम आर बार ज्ञात कर लेते हैं। तो आर बार ज्ञात करने के लिए लिखेंगे आर बार इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 आर टेन तक है, आर टेन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है यन मतलब 10 रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप टोटल सॉल्व करेंगे तो 0.4 प्लस 0.7 0.7 0.8 सॉल्व करते करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.65, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 0.65। तो इस प्रकार से आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो एक्स डबल बार की निकल गई और आर बार की भी निकल गई। अब आपको क्या करना है सिग्मा की वैल्यू, तो आपको हमने पीछे बताया था फार्मूला में सिग्मा इक्वल टू होता है आर बार बाई डी टू, क्या होता है आर बार बाई डी टू। तो आर बार की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.65 और यहाँ से डी टू की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है एन बराबर 8 के लिए हम निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एन बराबर 8 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, एन बराबर 8 के लिए, और यहाँ पे आपको देखिए हम एन बराबर 8 के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन एन बराबर 8 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो एन बराबर 8 के लिए निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू अभी आपको अंडर रूट एन में रखना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे एन की वैल्यू रहेगी जो आप भाग दे रहे हैं 10 से, तो कैपिटल एन की वैल्यू 10 ही तो आ रही है। क्यों, आप लोग इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि क्वेश्चन में दो बार एन बराबर 8 और एन बराबर 10 दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि जो स्मॉल एन क्वेश्चन जो आपको 10 और 8 दिया हुआ है, जो 10 और 8 दिया हुआ है वो कब यूज करना है, जब आप लोग निकालेंगे अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। लेकिन जब आप लोग रेंज और जो मीन निकालेंगे उसके लिए डिवाइड बाय 10 ही करेंगे, क्योंकि टोटल डिवाइड जो है वह 10 ही तो सैंपल का आप लोग यूज कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये किसके लिए यूज किया जा रहा है। अभी आप किसी के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, अभी आप टोटल सॉल्व कर रहे हैं। जब एन की वैल्यू हमें लेना रहेगा तो हम लेंगे। ठीक है, तो जब वैल्यू हम एन बराबर 8 वाला पुट कर रहे हैं तो अभी लास्ट में 8 वाला हम पुट करेंगे, लेकिन डिवाइड जो यहाँ किया जा रहा है सी एल में डिवाइड 10, आर में डिवाइड 10, ये सब 10 से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि टोटल सैंपल नंबर ऑफ सैंपल 10 ही है, इस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पे निकाल रहे थे, तो यहाँ पे डी टू की जो वैल्यू है वो है 2.847। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 0.2283 आपकी निकल कर आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट हमें निकालना है, तो अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू होता है एक्स डबल बार, ठीक है, उसके बाद प्लस होता है 3 आर अपॉन डी टू अंडर रूट एन। तो अब हम यहाँ एन बराबर 8 के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल जो ऊपर डी टू की वैल्यू रखे हैं वो 8 वाली वैल्यू रखे हैं। सो इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो एक्स डबल बार की जो वैल्यू आई थी उसको पुट करेंगे जो कि 5.1 आई थी, प्लस करेंगे 3 इंटू आर आर डैश की आर बार की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.65 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आपका फार्मूले के अनुसार डी टू की वैल्यू 2.847 है, 2.847 है इंटू अंडर रूट एन यानी अंडर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग टोटल सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है, तो वैल्यू आई है 5.34, ध्यान सुनिए 5.34 वैल्यू आई है अपर कंट्रोल लिमिट की। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी पे सब आपका काम होना है। इसके साथ ही साथ अब हम यहीं पे लोअर कंट्रोल लिमिट की भी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो लोअर कंट्रोल लिमिट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 5.1, उसके बाद माइनस चिन्ह निकाला जाता है। तो इसको टोटल जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई थी, हमने निकाला था, वो आया है 0.24, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जो लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ गई वो आ गई 4.86, कितना आ गया 4.86 आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम इन सबको डायग्राम पे हम प्रदर्शित करते हैं और आपको समझाते हैं कैसे ये सब आपका बनाया जाता है। यहाँ पे फिर हम फिगर बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रोल लाइन की लिमिट खींच लेंगे तो इसकी वैल्यू 5.1 आई थी, उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट लाइन खींचेंगे जिसकी वैल्यू 5.34 आई थी, फिर लोअर कंट्रोल लिमिट की लाइन खींचेंगे जिसकी वैल्यू 4.86 आई हुई थी। अब आपको इसको ड्रा करना है, तो ड्रा करने के लिए आप लोग पहुंच जाएंगे जो टेबल क्वेश्चन में दिया गया था मीन वाला, तो आप 0.1 पे देखेंगे तो 0.1234 देखिए यहाँ पे नीचे हमने सब दर्शा दिया है, दिखा दिया है,
अब हम जाएंगे किस पे, पॉइंट वन पे। तो पॉइंट वन पे जाएंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था मेन, वो उसकी वैल्यू थी 5.4। तो 5.4 जो थी, हम जो कुछ भी ड्राइव उसमें बनाएंगे उसको हम कंट्रोल लिमिट को लेकर ही बनाएंगे। तो जो पॉइंट फर्स्ट हमारा है उसकी वैल्यू थी, आप क्वेश्चन में देखिएगा, अब 5.4 थी, और जबकि आपका अपर कंट्रोल लिमिट जो है 5.34 ही है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट पे हमारा बनेगा वो बनेगा आपके अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन ये है, तो इसके ये है अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन, तो इसके ऊपर पॉइंट फर्स्ट पे मान लीजिए आपका वो पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं आपका पॉइंट फर्स्ट मिलेगा, ठीक। अब दूसरा जो पॉइंट आपका आएगा, जो दूसरा पॉइंट आपका आएगा दूसरे पॉइंट में, आप क्वेश्चन में देखेंगे दूसरे पॉइंट की वैल्यू 5.1 थी, तो 5.1 अर्थात वह कंट्रोल लिमिट पे ही, तो उसकी वैल्यू कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 3 पॉइंट पे आएंगे, तो 3 पॉइंट पे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसकी वैल्यू 5.4 थी, अर्थात फिर वह अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर गई, अर्थात उसका कहीं आपका फिर यहीं कहीं मिलेगा जहाँ फर्स्ट वाला पॉइंट आपको पहले मिला था। उसी प्रकार से हम 4 पॉइंट क्वेश्चन में देखेंगे, तो 4 पॉइंट क्वेश्चन में 4.9 है, अर्थात जब 4.9 है तो आप आएंगे लोअर कंट्रोल लिमिट में, लोअर कंट्रोल लिमिट आप देखेंगे 4.86 है, अर्थात इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, अर्थात 4.9 वो कहीं आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है, कहीं आपका इस साइड मिलेगा जहाँ हमारा ब्लैक बन रहा है, ठीक। अब उसके बाद 0.5 पे आते हैं, जो 0.5 है उसका वैल्यू क्वेश्चन में 5.2 है, तो 5.2 बनाने के लिए अब हम देखेंगे अपर कंट्रोल लिमिट, तो अपर कंट्रोल लिमिट में देख रहे हैं 5.3 है, अर्थात अपर कंट्रोल लिमिट से नीचे होगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कंट्रोल लिमिट 5.1 है, अर्थात थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, तो 5 में मान लीजिए आपका वह इस जगह कहीं आपको दिखेगा, ठीक है। 0.6 पे अगर हम आते हैं, तो 0.6 जो हमारी वैल्यू वह है 4.7, क्या है, 4.7 है, ठीक। तो 4.7 है, अर्थात जो लोअर कंट्रोल लिमिट आपकी है, जो लोअर कंट्रोल लिमिट वो 4.6 है, अर्थात इससे यह नीचे आएगा, इससे नीचे मान लीजिए उसका कहीं पे आपका यहाँ पे हमने दर्शा दिया जो कि 4.7 था। उसके बाद 7 पॉइंट पे आते हैं जो कि 5.1 है, तो 5.1 है तो वो कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है, तो आपकी यहाँ पे वह दर्शाई जाएगी। इसी प्रकार से 0.8 पे अगर आएंगे, 0.8 की वैल्यू 5.0 थी, तो 5.0 थी, अर्थात वह कंट्रोल लिमिट के थोड़ी नीचे ही होगी, तो कंट्रोल लिमिट 5.1 है और इसकी वैल्यू 5 पॉइंट ही है, तो थोड़ा सा नीचे इसको हम यहाँ पे बना देंगे। 0.9 पे आएंगे तो उसकी भी वैल्यू 5.0 है, तो भी आपकी कुछ इस प्रकार से यहीं पर बनेगी। 0.10 को अगर हम दर्शाएं, तो 0.10 जो है आपका 5.2 है, तो 5.2 अर्थात कंट्रोल लिमिट की थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो उसको हम दर्शा दिए आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हीं सबको हमें मिलाना है, चलिए मिला देते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए, पॉइंट फर्स्ट जो आपका है यहाँ से आप आएंगे पहले 2 पे, तो 1 से आप 2 पे आएँ, फिर 2 से आप 3 पे गए, ठीक है। उसके बाद 3 से आप सीधे आएंगे 4 पे, 3 से आप 4 पे आएंगे, 4 से फिर आप 5 पे जाएंगे, 5 के बाद आप 6 पे आएंगे, 6 से फिर आप 7 पे, 7 और 8 दोनों सेम है, 8 के बाद आप 9 पे, 9 के बाद देखिए यहाँ पे एक छूट गया आपका, 4 के बाद आप जाएंगे 5 पे, 5 के बाद आप 6 पे जाएंगे, तो 6 देखिए आपका यहाँ सबसे नीचे है जो कि बाहर है, ठीक है। 6 के बाद आप 7 पे जाएंगे, 7 के बाद 8 पे, 8 और 9 सेम है, उसके बाद आप लास्ट में 10 पर चले जाएंगे। अब हमें इसमें क्या करना रहता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है अगर उसका जो कंट्रोल लिमिट रहती है अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट, वह अपर कंट्रोल लिमिट के अंडर में रहे और लोअर कंट्रोल लिमिट के अंडर में रहे, तो प्रोडक्ट आपका सही बनेगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे अपने क्वेश्चन में कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए आपका बाहर है, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट भी बाहर है और साथ ही साथ 6 पॉइंट भी बाहर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो यह किस वजह से कमियां हुई हैं, तो इसका जो रीज़न है वो है ड्यू टू मशीन सेटिंग या अनट्रेंड वर्कर्स, मतलब हो सकता है मशीन में सेटिंग अच्छी प्रकार से ना की गई हो, या जो वर्कर्स वहाँ पे रहे होंगे वो सही से काम नहीं किए होंगे। तो ये इसका आप कमेंट डाल सकते हैं कि ड्यू टू मशीन सेटिंग या अनट्रेंड वर्कर्स की वजह से ऐसा हुआ है कि इसमें 3 पॉइंट बाहर हो गए हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। सो आपका इस प्रकार से आप कंट्रोल लिमिट बनाएंगे किसकी, एक्स चार्ट की, ठीक है। तो आर चार्ट भी बनाना रहता है, लेकिन अब उसे पूछा नहीं जाता है आपको, एक चार्ट बनाने के लिए हमने समझा दिया।
और अब हम चलिए देख लेते हैं आर चार्ट होता क्या है, और जो कुछ भी चार्ट हैं उसके बस आपको डेफिनेशंस पढ़नी है। इसको थोड़ा बता देना था, आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, इसलिए थोड़ा बता दिए। पूछा तो नहीं जाता एग्ज़ाम में, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए। सो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे आर चार्ट के बारे में। आगे आपका आर चार्ट आता है, एक्स चार्ट का आर चार्ट को समझते हैं। दोनों चार्ट लगभग सेम ही बनते भी हैं। तो आर चार्ट में क्या होता है, यह चार्ट प्रक्रम की एक समानता को दर्शाता है। यह चार्ट प्रक्रम विचरणों में परिवर्तन से प्रभावित होता है। यह चार्ट माध्य चार्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनाई जाती है, जो भी उसकी कंट्रोल लिमिट होती है, उसके अंडर में ये बनाई जाती है। मतलब एक समान रूप से इसमें आपका जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, उसका जो चार्ट के माध्यम से हम बनाते हैं, इसमें एक समान रूप से उसको हम बनाते जाते हैं। मतलब कोई कमियां भी होती हैं तो उसको एक तरह से डेविएशंस, मतलब जो उसमें विचलन होता है, उसको बिना या प्रभावित करें हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये चार्ट जो होता है माध्य चार्ट, मतलब एक्स चार्ट होता था, तो यह चार्ट एक्स चार्ट के साथ भी यूज किया जाता है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, आता भी ये क्वेश्चन एडवांटेज पूछा जाता है। तो एडवांटेज अब देखते हैं, एक्स एंड आर चार्ट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। तो इन दोनों चार्ट के माध्यम से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, उसके माध्य स्तर का पता चलता है कि प्रोडक्ट आपका एक तरह से जो उसका मीन लिया जाता है, जैसे एवरेज नहीं लिया जाता आप लोगों का, कोई काम आप लोग करते हैं तो जैसे आप उसका एवरेज ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपकी कॉपी नहीं सही से चेक होती है तो आपकी जनरल मार्किंग कर दी जाती है, तो शुरू से 8-10 कॉपियाँ चेक कर ले जाते हैं, उसी बेस पे आपके टोटल नंबर दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ प्रोडक्ट इसमें देखे जाते हैं और उनका एक मीन निकाल दिया जाता है, तो ये संभव हो पाता है एक्स और आर चार्ट के द्वारा ही। इसके साथ ही साथ इसमें और भी लिखा गया है कि इसकी सहायता से खराब प्रोडक्ट का पता लगाकर उसे सही भी किया जाता है। तो इस चार्ट, इन दोनों चार्ट के माध्यम से जो प्रोडक्ट सही रहे उनको तो अलग कर लेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट ख़राब बन रहे होंगे उनको हम बाहर करके फिर से उसको हम सही बना भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इससे गुणवत्ता के डेविएशंस का पता चलता है कि गुणवत्ता में क्या कमियाँ हो रही हैं, कौन सी कमियाँ नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन चार्टों की सहायता से उत्पादन विधियों को बदलने तथा अच्छे व खराब उत्पादों को अलग करने का भी निर्णय लिया जाता है। तो सेम पॉइंट हमने ऊपर बताया, जो प्रोडक्ट सही रहेंगे उनको अंदर रखा जाएगा, जो ख़राब रहेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, फिर से आपका सब काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है दोनों चार्ट का, दोनों चार्ट है यह केवल वेरिएबल के लिए उपयुक्त होता है। मतलब जो हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो बताया था आपको हमने कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट का बताया था ना, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होते थे। तो ये जो चार्ट होते हैं जो डेली आपके प्रोसेस होते रहते हैं, जो प्रोडक्ट के डेली चेंजेस होते रहते हैं, उसके लिए केवल प्रयुक्त किया जाता है, इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक। और इसमें लिखा है कि आंकड़ों को एकत्र करना बहुत भी कठिन हो जाता है। अब भाई दुनिया भर का लोगों को इसमें मेहनत करना पड़ेगा कि कहाँ कमी हुई कहाँ नहीं कमी हुई, कुशल विशेषज्ञ रखना पड़ेगा, तो बहुत ही कठिन भी होता है आंकड़ों को एकत्र करना कि कहाँ कमी हुई कहाँ नहीं हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अधिक अध्ययन भी करना पड़ता है, मतलब लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इस चार्ट को बनाने के लिए। आप तो सिंपल बस ड्रा कर देते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियां होती हैं उसमें बहुत ही मेहनत लोगों को करना पड़ जाता है। तो ये था आर चार्ट और एक्स चार्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज और आर चार्ट, सो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हमारा एट्रीब्यूट चार्ट आते हैं, जिसके कई चार्ट थे, जिसमें पहला आपका पी चार्ट होता है, तो इसको समझते हैं। पी चार्ट का उपयोग ऐसे निरीक्षणों में किया जाता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के गुणों के लक्षणों की जांच की करनी हो। मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसके अनेक जो भी क्वालिटीज़ हैं, मान लीजिए आपने बताया आप किसी बैटरी को ले लीजिए कि इसकी जो कैपेसिटी है चलने की वो 7 घंटे है, तो उसकी एक बार जाँच वहाँ की जाएगी, फिर आप देखेंगे कि इससे जो करंट प्रवाहित होगा वो कुछ वोल्ट का होगा, तो आप उसको मतलब हर स्टेप पे चेकिंग करने के लिए, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आप पी चार्ट का यूज करते हैं। हर प्रोडक्ट के हर दौर पे हर कदम पे उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए हम पी चार्ट का यूज करते हैं। इस चार्ट पर एक समूह में पाए गए अस्वीकृत आंशिक पार्ट्स या प्रतिशत इफेक्टिव पार्ट्स का ग्राफ खींचा जाता है। इसमें क्या होता है, जो कुछ भी मान लीजिए ख़राब प्रोडक्ट हो जाते हैं उनकी एक तरह से उनका ग्राफ इस पर बनाया जाता है। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट रहते हैं जिनका सही से काम नहीं होता है, उसका इस पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि पी इज इक्वल टू आपका होता है पाए गए कुल दोषपूर्ण यूनिट अपान कुल निरीक्षण किए गए यूनिट।
जो कैपिटल पी है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन डिफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं फ्रैक्शन डिफेक्टिव, जैसे आप बोल सकते हैं हिंदी में दोषपूर्ण भिन्नांक। इक्वल टू होता है पाए गए कुल दोषपूर्ण यूनिटों की संख्या अपान कुल निरीक्षण किए गए यूनिटों की संख्या। तो ये पी चार्ट से इसको हम ज्ञात करते हैं, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि औसत गुणवत्ता में परिवर्तन का तुरंत इसमें पता लगाया जा सकता है। दूसरा है निरीक्षण द्वारा खराब प्रोडक्ट का पता इसमें हम आसानी से लगा सकते हैं। थर्ड है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में भी सुविधा मिलती है पी चार्ट के माध्यम से। जैसे कि पी चार्ट में दिखा दिया जाएगा कैसे कैसे हम खराब प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, सही प्रोडक्ट को अंदर ले सकते हैं। तो इससे लोगों को ट्रेनिंग देने की भी सुविधा होती है, किसके माध्यम से? पी चार्ट के माध्यम से। तो ये हो गया आपका पी चार्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज है कि इसको बहुत ध्यान पूर्वक बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हम जो डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक इनको बनाने की आवश्यकता होती है, कहीं पर कोई कमियां ना हो इसकी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि इन चार्ट से दोष विशेष तथा उनके कारणों का ज्ञान नहीं हो पाता। मतलब इसमें यह होता है कोई स्पेशल अगर डिफेक्टिव हो, स्पेशल विशेष प्रकार का दोष हो, तो वो किस वजह से हुए हैं, ठीक है। मतलब दोष के कारणों का हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि किस वजह से यह हुआ है। बस हम लोग उसमें जो दोष हुआ है, जो कमियां हुई हैं, बस उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोष के कारणों का नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। दोष के कारणों का पता हम लोग नहीं लगा पाते हैं किससे? पी चार्ट के माध्यम से। तो आप पी चार्ट के बारे में इतना पढ़ लीजिएगा, इतना आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट आपका आता है जो कि लास्ट है, और इस चैप्टर का भी महामैराथन क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वह है हमारा सी चार्ट। सी चार्ट क्या होता है? सी चार्ट का मतलब देखिए, यहाँ लिखा गया है कि वस्तु के प्रत्येक एकांक में दोषों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सी चार्ट का प्रयोग करते हैं। यह भी आपका पी चार्ट की तरह होता है। यह एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें किसी सैंपल में दोषों की संख्या को दर्शाया जाता है। इसमें भी प्रोडक्ट के पार्ट्स में जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जो कमियां होती हैं, उसको दर्शाया जाता है इस चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट का उपयोग जटिल संरचना वाले संयंत्रों इत्यादि के निरीक्षण में किया जाता है। जो जटिल संरचना वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सी चार्ट का। किसका यूज करते हैं? हम लोग सी चार्ट का यूज करते हैं। सो गाइस, सी चार्ट पढ़ लिया, पी चार्ट पढ़ लिया, आर चार्ट पढ़ लिया, एक्स चार्ट पढ़ लिया। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। तो इसका जो सी चार्ट का आपका एडवांटेज अर्थात जो इसका लाभ होता है, आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि इसका जो यूज होता है वह जटिल संरचनाओं के लिए किया जाता है। आप लोग क्या लिख लेंगे? पहला लिख लेंगे जो कुछ भी आपके जटिल संरचनाओं के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक। जटिल संरचनाओं के लिए आपका इसका यूज किया जाता है। अब जटिल संरचनाएं क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो जटिल संरचनाएं आपकी जैसे कि कपड़ा मिलों में हो सकता है, जहाँ छोटे छोटे काम रहे लेकिन बहुत यूजफुल वर्क रहें, वहाँ पे इस चार्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, तो सेकेंड पॉइंट ये होता है कि दोषों को नियंत्रण करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दोषों को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग इस चार्ट का यूज करते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड पॉइंट ये होता है कि जैसे कि होता नहीं, आप लोग माप लेते हैं किसी चीज़ का, तो ये क्या करता है, जब कहीं पे अगर माप लेना संभव ना हो पाए, ठीक है, माप लेना संभव ना हो, जब भी माप लेना संभव ना हो, तो ये चार्ट वहाँ पे यूज कर ले जाते हैं। तो ये चार्ट यूज किए जाते हैं, ये चार्ट प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज में इतना आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें इसका जो एडवांटेज के बाद आता है आपका डिसएडवांटेज। क्या आता है? डिसएडवांटेज। तो इसको भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज मतलब जो इसमें कमियां रहती हैं, जो इसकी हानि होती हैं। मतलब ये जो रहता है अच्छा रिस्पांस नहीं देता, जिस प्रकार से आपका एक्स व आर चार्ट होता है वैसा रिस्पांस नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स व आर चार्ट की तरह ये प्रभावी नहीं होते हैं, ठीक। एक्स वायर चार्ट की तरह ये प्रभावी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें कहता है कि इसमें भी अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है, मतलब अधिक अध्ययन करना पड़ता है इसको बनाने के लिए, अधिक अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोषों को सही से बता भी नहीं सकता है, ठीक है। तो दोषों को
बताने में असफल होता है, दोस्तों को बताने में असफल होता है। ठीक है, तो गाइस बस यहीं तक आपका क्वेश्चन था। तो हमने फर्स्ट महामैराथन के क्लास के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, सेकंड महामैराथन क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। सबको पढ़कर आप आसानी से अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एग्जाम के बाद अपना रिस्पॉन्स कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।